हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑन एकेडमी जे चैनल। आई एम समीर चिंचोलीकर योर मैथमेटिक्स मेंटर एंड दिस इज जे लाइव डेली 3.0 जहां पर हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज का डिस्कशन। सीक्वेंस सीरीज बच्चों आपके जेई मेन और जेई एडवांस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर आपको हमेशा ही कई सारे सवाल देखने के लिए मिलते हैं और कई सारे अच्छे सवाल देखने के लिए मिलते हैं। आपको यहां पर मजा कब आएगा बताऊं? आपको यहां पर मजा आएगा जब यहां पर पूरा आप चैप्टर पढ़ लोगे और उसके बाद आप यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला जो सेशन होता है उसको अटेंड करोगे, खास करके जहां पर हम जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपको मजा आ जाएगा, बहुत ही अमेजिंग सवाल बच्चों आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मिलते हैं। लेकिन यहां पर हमारा जो ग्रोथ कर्व है उसके बारे में सारे बच्चे ध्यान रखें। हम यहां पर जो है बेसिक्स लेके एडवांस तक जो है जो पूरी जर्नी है कवर करनी होती है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि यहां पर इनिशिएट हमने जो है स्लो तरीके से किया है, ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपका यहां पर लेवल भी इंक्रीज होते जाएगा, जैसे कि सीक्वेंसेस में हमें देखने के लिए भी मिलता है, ठीक है। तो यहां पर सारे बच्चे जो है सारे ही लेक्चर्स को अटेंड करें। अगर आप यहां पर कुछ बीच में मिस आउट कर देंगे तो हो सकता है कि आप यहां पे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर आइडिया आपका मिस आउट हो गया, इसलिए आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ऐसा आपको प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप यार ऐसा सब काम नहीं किया करो, आप यहां पे रेगुलर रहो। आप यहां पे अनअकैडमी जेई चैनल के ऊपर बच्चों अगर रेगुलर नहीं हो तो आप यहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी के लेक्चर्स को मिस आउट कर रहे हो। मेक श्योर कि आप यहां पे सब्सक्राइब्ड हो और बेल आइकन भी आपने प्रेस करके रखा है ताकि आपको यहां पर राइट टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए अबाउट ऑल द सेशंस दैट आर हैपनिंग ऑन अनअकैडमी जेई चैनल। और आज बच्चों यहां पर आपका जो सेशन स्टार्ट होने वाला है ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप यहां पे अपनी नोटबुक भी रेडी रखें, पेन पेपर के साथ में यहां पर सेशंस को देखा करें। कभी भी आप यहां पे अगर सेशन को वीडियो की तरह अगर देख रहे हो देन यू आर अगेन नॉट यूजिंग द मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी अचीव्ड, है ना। आप अगर यहां पे अपने नोटबुक के साथ में नहीं बैठे हो तो आप यहां पे जो है गुनाह कर रहे हो। जल्दी से एक पेन और नोटबुक के साथ में बैठो, ट्रीट इट एज योर रेगुलर क्लासरूम ताकि आपको यहां पर जो है मैक्सिमम बेनिफिट देखने के लिए मिले, ठीक है। और बच्चों आप अगर हमारे साथ में कनेक्टेड नहीं है टेलीग्राम चैनल के ऊपर तो अनअकैडमी जेई का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो और मुझे फॉलो कर लो ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म ताकि वहां पर भी होने वाले जो आपके फ्री क्लासेस हैं जो कोर्सेस हैं उनका भी नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम मिलता रहे। और साथ ही साथ आपने livedelay.me/jee को अपने ब्राउजर में पिन कर लेना चाहिए ताकि एक सिंगल क्लिक के साथ में आपको क्लास 11th एंड 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएं। यहां पर ये जो लेक्चर्स हैं बच्चों हमारे YouTube के ही लेक्चर्स हैं जिनके PDF नोट्स भी हमने साथ ही साथ आपको डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दिए हैं ताकि आपको एक रिसोर्स हमेशा पता रहे कि आप कहां पे जा सकते हो अपनी जेई की तैयारी को कंप्लीट करने के लिए विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। आप यहां पे स्क्रॉल करोगे आपको सारे लिंक्स एक साथ मिलेंगे, अपने पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जाओ और अपना तैयारी यहां पे करना स्टार्ट कर दो। अगर आप यहां पे रेगुलरली कनेक्टेड हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। बाय चांस आपका बैकलॉग रेडी यहां पर जो है क्रिएट हो गया है देन दिस पर्टिकुलर लिंक विल हेल्प यू लॉट टू एक्चुअली कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। और साथ ही साथ एक काम यहां पे सारे बच्चे और कर सकते हैं, एक बार अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को जाके जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां पर भी बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ाई हो रही है और वहां पर भी बच्चों ने बहुत अमेजिंग तरीके से रिजल्ट निकाल कर बताए हैं क्योंकि वहां पर उनको मिलती है फ्रीडम टू एक्चुअली ज्वाइन एनी नंबर ऑफ बैचेस दैट दे वॉन्ट। यहां पर इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स अपनी अलग अलग जो है क्लासेस और कोर्सेस लेते हैं, आप सभी की मदद से अपना जो है यहां पर लेवल अप कर सकते हैं एंड दैट इज अ ब्रिलियंट फैसिलिटी जो इसके पहले ऑफलाइन में कभी भी पॉसिबल नहीं थी, इसलिए इतने अमेजिंग रिजल्ट्स ऑफलाइन में पहले साल में किसी ने नहीं दिए थे, ठीक है। अनअकैडमी हैज डन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम 100% फॉर द फर्स्ट बैच जो यहाँ पे जो है 11th और 12th दोनों पढ़ा था ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। आप भी यहाँ पर जो है हमारे साथ में अगर जुड़ना चाहते हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म देन समीर लाइक के साथ में अगर आप ज्वाइन करते हैं आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा और ड्यूरेशन जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन कि आपकी कितनी जेए की जर्नी अभी यहाँ पर बची हुई है, ठीक है। आपकी अगर 2 साल की जर्नी बची है तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अगर 1 साल की बची तो 1 साल का लेके भी आप यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आपकी अगर जो है 1 साल की जर्नी अभी यहाँ पर बची है लेकिन आपको 11th के भी टॉपिक्स अगर यहाँ पर रेडी करना है देन दैट कैन बी डन क्योंकि आपके वहां पे जो कोर्सेज होते हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको देखने के लिए मिलते हैं जो आप जल्दी जल्दी देखकर अपना बैकलॉग फिनिश कर सकते हो, ठीक है। सो सारे ही रिसोर्सेज बच्चों आपके साथ में अब जो अवेलेबल हैं ये कुछ साल पहले तक आपके सीनियर्स को अवेलेबल नहीं थे, हमारी तो दूर की बात है हमें तो बिल्कुल भी कुछ अवेलेबल नहीं था, लेकिन आपके सीनियर्स अगर आप 2-3 साल पहले की भी बात करूं तो इतने अमेजिंग रिसोर्सेज नहीं थे, अब आपके पास में है। मेक श्योर कि आप यहां पे इनका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें ताकि आप यहां पर जो है कम मेहनत के साथ भी यहां पर बहुत अच्छा आउटपुट जनरेट कर पाओ, ठीक है। ऑलराइट सो लेट अस बिगिन विद आवर डिस्कशन। आपका सीक्वेंस सीरीज का डिस्कशन आपको बच्चों इनिशियली बहुत आसान लग सकता है, ठीक है, एटलीस्ट जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है आपको बहुत आसान लग सकता है। क्यों? क्योंकि आपने इसका बेसिक आइडिया अपने 10वीं क्लास में सीखा हुआ है, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि यहां पर क्या हमें पहचानते आता है सीक्वेंसेस एंड सीरीज,
है ना, हम यहाँ पे क्या एक सीक्वेंस को पकड़ सकते हैं, हम यहाँ पर क्या उसको समझ के अगला नंबर बता सकते हैं। आपने इस तरह के सवाल जो है बहुत सारे अपने NTSC की तैयारी के समय या फिर अपने इनफैक्ट न्यूज़पेपर में भी आपने कई बार सॉल्व किए होंगे, जहाँ पर आपको एक पजल दी जाती है कि भाई 2-4-5 नंबर दिए हुए हैं, आपको बताना होता है, यहाँ पे चैलेंज ये होता है कि आप उसका अगला नंबर बताओ। ठीक है, तो हम भी वहीं से कुछ स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अगर आंसर करते आ रहे हैं, यू ऑलरेडी हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीक्वेंस इन साइड योर हेड एंड दैट विल हेल्प अस टू बी going in a specific direction of arithmetic progression in today's lecture। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों जल्दी से बताओ, आपके पास में ये जो 4-5 नंबर लिखे हुए हैं, क्या आप उसके बाद वाला नंबर मुझे निकाल के बता सकते हो? 1 के बाद में 4, 4 के बाद में 16, 16 के बाद में 64, उसके बाद में आपका कौन सा नंबर यहाँ पर आना चाहिए? क्या सारे बच्चे यहाँ पर अपने नोटबुक के साथ में रेडी हैं? ये सारे एग्जांपल्स भी आप अपने नोटबुक में डेफिनेटली नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि सिंपल है, लेकिन आइडियाज जो हैं वो यहीं से हम पकड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है सारे बच्चे, ऑलराइट। सो आप यहाँ पर नोटिस क्या कर रहे हो, क्या आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हो कि आप हर एक अगला नंबर निकालने के लिए 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो? आप यहां पे 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर से 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर से 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यहां पर आपका जो नेक्स्ट आंसर आना चाहिए वो 4 मल्टीप्लाई करके ही आना चाहिए, विच गिव्स इट द वैल्यू 256। यस और नो? सारे बच्चे यहां पर जो है 64 × 4 कर पा रहे हैं, 64 × 4 करके 256 आ रहा है, बहुत बढ़िया। आप यहां पे अगले वाले सीक्वेंस को अब यहां पर देखो कि अगला वाला सीक्वेंस भी क्या आप यहां पे पकड़ पा रहे हो? आपको यहां पे 2 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 17 दिया है, क्या चल क्या रहा है यहां पर, क्या चल रहा है यहां पर? क्या आप यहां पर ये नोटिस कर पा रहे हो कि पहले आपने यहां पर ऐड किया 3, फिर आपने ऐड किया 5, फिर आपने ऐड किया 7। अगर आपने यहां पे पहले 3 ऐड किया, फिर आपने यहां पे 7 जो है 5 ऐड किया, फिर आपने 7 ऐड किया, तो क्या इस एडिशन में आपको कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है? आपने पहले 3 ऐड किया, फिर आपने 5 ऐड किया, फिर आपने 7 ऐड किया, तो अगर मैं लॉजिक को यहां पे आगे कंटिन्यू करूं तो यहां पर मैं ऑड नंबर्स को एक एक इंक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, 3 मेरा एक ऑड नंबर था, फिर 5 मेरा एक ऑड नंबर है, फिर 7 मेरा एक ऑड नंबर है, तो इसी लॉजिक से अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास में अगला ऑड नंबर 9 आता है। अगर मैं इसके अंदर 9 ऐड करूंगा तो मुझे यहां पर कितना मिलेगा? मुझे यहां पर मिलेगा 26, मुझे मिलता है यहां पर 26। क्या आप सभी का आंसर 26 आया है? लेकिन मैं जानता हूं यहां पर बहुत सारे बच्चों ने यह लॉजिक नहीं लगाया होगा जो मैंने यहां पर अभी आपको बताया। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज में कई बार ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है कि यहां पर हम कुछ अलग अलग लॉजिक से भी सेम सीक्वेंस जनरेट कर पाए जो यहां पर आपको देखने के लिए मिल भी रहा है। कई सारे बच्चों ने यहां पर ऑटोमेटिकली सोच लिया होगा जो यहां पे जनरल टर्म के डिस्कशन से ज्यादा क्लियर होता है, दिस वी विल डिस्कस इन लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर सीक्वेंस सीरीज, जहां पर आपको एग्जैक्टली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो नहीं होता है, लेकिन कुछ मिसलेनियस सीक्वेंसेस होते हैं, बट दिस इज अ वेरी वेरी इजी मिसलेनियस सीक्वेंस जिसके अंदर आप केवल विजुलाइज करके बता सकते हो कि इसका जनरल टर्म क्या होना चाहिए। जनरल टर्म क्या होता है? जनरल टर्म होता है कि अगर मैं आपको एक फॉर्मूले की तरह एक एक्सप्रेशन क्रिएट करके दे दूं तो आप उसके अंदर अलग अलग वैल्यू डाल के अपने एक्चुअली सारे टर्म्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इस सीक्वेंस की बात करूं तो दिखने में एक काफी वियर्ड सीक्वेंस है जिसके अंदर हम पहले 3 ऐड कर रहे हैं, फिर 5 ऐड कर रहे हैं, फिर 7 ऐड कर रहे हैं, फिर 9 ऐड कर रहे हैं, लेकिन आप केवल वैल्यूज को देखो, पहले आपके इसमें 2 था, फिर 5 आया, फिर 10 आया, फिर 17 आया, ये सारे वैल्यूज में मैं देख पा रहा हूं कि यार ये अगर एक एक कम होते तो परफेक्ट स्क्वायर होते, ये अगर 16 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, ये 9 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, ये 4 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, ये अगर 1 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता, तो हम यहां पे सोच पा रहे हैं कि अच्छा इसका मतलब यहां पर एक और लॉजिक हो सकता है एन स्क्वायर प्लस 1 वाला। एन स्क्वायर प्लस 1, अगर आप यहां पर n की वैल्यू 1 डालते हो तो आपको पहला टर्म मिलता है, n की वैल्यू 2 डालते हो तो दूसरा टर्म मिलता है, n की वैल्यू 3 डालते हो तो तीसरा टर्म मिलता है, n की वैल्यू 4 डालते हो तो ये मिलता है, तो n की वैल्यू 5 डाल के आपको अब अगला टर्म मिलना चाहिए, येस और नो? तो ये जो आपने यहां पे थॉट जनरेट किया है इसको क्या बोलते हैं हम? जनरल टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। अगर आप कोई आपसे पूछेगा कि इसका 10वां टर्म बताओ, अगर आपको इसका 1, 2, 3, 4, 5, अगर आपको इसको 5th टर्म पूछा गया था तो आपने यहां पर जो है आंसर 26 बताया था। अगर मैं आपसे पूछ लूंगा कि इसका 10वां टर्म बताओ तो भी अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप यहां पे अब 9 ऐड करने के बाद में 11, 11 ऐड करने के बाद 13, 13 ऐड करने के बाद 15, ये प्रोसेस थोड़ी ना फॉलो करोगे। अब तो आपको इसका जनरल टर्म पता चल गया, तो आप डायरेक्टली जो है इसके अंदर 10 डालोगे और आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। तो कभी भी हम अगर किसी सीक्वेंस को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं उसके जनरल टर्म को क्रिएट कर लेने से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ये वाली बात समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? यस, जनरल टर्म क्रिएट करने, हाँ 101 आपका आंसर आना चाहिए, बहुत बढ़िया, 101 शुड बी द आंसर अगर आप यहां पे 10वीं टर्म इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की निकालना चाह रहे हो। एंड व्हाट अबाउट द फेमस सीक्वेंस विच इज रिटन हियर? इस सीक्वेंस में 8 के बाद में क्या आना चाहिए? और सारे बच्चे यहां पर बताएं कि इसका नाम भी क्या है? यहां पर बहुत ही फेमस सीक्वेंस है बच्चों, है ना, 1, 1 के बाद में 1, लेकिन उसके बाद में 2, और उसके बाद में 3, और उसके बाद में 5, और उसके बाद में 8। यहां पर
इनिशियली देख के ऐसा लग सकता है कि यार ये तो कुछ रैंडम तरीके से लिखे हुए आपके नंबर्स हैं, लेकिन नहीं, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग सा एक सीक्वेंस मिलेगा। यहाँ पर होता क्या है कि आप यहाँ पर पहले दो नंबर्स तो 1-1 करके लिख दो, लेकिन उसके बाद में आपको जो भी नंबर्स मिल रहे हैं वो प्रीसीडिंग दो नंबर्स के सम के बराबर है, ठीक है। तो 1 और 1 का सम आपको 2 के बराबर मिला, फिर आपको 1 और 2 का सम 3 के बराबर मिला, फिर आपको 2 और 3 का सम 5 के बराबर मिला। ये आप बेसिकली प्रोसेस आगे तक बढ़ाते जा रहे हो। आगे आने वाला टर्म जो है वो उसके पिछले दो टर्म्स का सम है, और अगर आप ये लॉजिक फाइनली अप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, अगला आंसर 13 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। सो सीक्वेंसेस कैन बी ऑफ वैरायटी, है ना, वेरी डिफरेंट टाइप्स। हम यहां पर जो है स्पेसिफिकली, लेकिन जो है कुछ गिने चिने सीक्वेंस के ऊपर ही इस पूरे चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो बहुत ही अलग अलग टाइप के आपके सीक्वेंस हो सकते हैं, राइट। लेकिन यहां पर जो है ये एप्टीट्यूड की तो तैयारी चलनी है आपकी, है ना। अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी करते हैं तो आपके पास में बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, कि भाई आपके पास में एक ऐसा फिगर बना के दे दिया, ठीक है, और इस फिगर में अब जो है ना ऐसा एक हेक्सागन या ऑक्टागन करके दे दिया, और फिर आपको यहां पर बीच में एक सर्कल दे दिया, एंड नाउ अब आप यहां पर बताओ कि इस क्वेश्चन मार्क के लोकेशन पे क्या आना चाहिए, ठीक है। कुछ बहुत अमेजिंग अमेजिंग आपको यहाँ पे पजल्स मिलते हैं नंबर्स का, यहाँ पर जो है आपको लेकिन विजुलाइजेशन करना सिखाते हैं, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन, है ना, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, बट वी आर नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन। वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द सिलेबस विच इज डिफाइंड फॉर जेई, है ना। तो हम यहाँ पे अपना जो पूरा का पूरा फोकस है सीक्वेंस सीरीज चैप्टर के अंदर वो इनिशियली ले जाना चाहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। गुड थिंग अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज वॉट, गुड थिंग अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कि ये हमने पहले 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर बेसिक आइडिया तो ऑलरेडी है। लेकिन हम यहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन 10वीं क्लास में कर चुके होते हैं सारे बच्चे, यहाँ पे पहले तो यस बता दें, क्या यहाँ पे सारे बच्चे जो 11वीं क्लास में हैं उन्होंने सीक्वेंसेस एंड सीरीज पहले इस नाम से नहीं पढ़ा, तो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम से आपने एक चैप्टर किया है कि नहीं किया है? आई वेरी वेल रिमेंबर कि ऐसा कुछ चैप्टर मैंने भी पढ़ा हुआ था 10वीं क्लास के अंदर, है ना। 10वीं क्लास का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है ना, यस, फिबोनाची, यस, जो हमारा लास्ट सीक्वेंस था बच्चों उसका नाम है फिबोनाची सीरीज। एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सारे बच्चे यहां पर कंफर्म करके बता रहे हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेकिन अभी यहां पर जो है पढ़ा हुआ है, ठीक है। हो सकता है यहां पर जो है कुछ ज्यादा ही जो है सुपीरियर बोर्ड्स हो सकते हैं जिन्होंने 9th में पढ़ा दिया होगा, लेकिन अदरवाइज भाई CBSE जो है हमारा स्टैंडर्ड बोर्ड जो है उसने तो भाई 10वीं क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रखा हुआ है, ठीक है। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक आइडिया होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम यहां पर जो अपना सीक्वेंस देखते हैं ना, सीक्वेंस में जो हमारे नंबर्स हमें दिखाई देते हैं उनको क्रिएट करते समय हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हम एक कॉन्स्टेंट नंबर बार बार ऐड कर रहे हैं, है ना, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आप बार बार अगर ऐड करते जाओगे और फिर आपका सीक्वेंस को अगर आप नोटिस करोगे तो वैसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। टू हैव मोर फॉर्मल डेफिनेशन यू कैन रीड दिस, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस हूज टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फिक्स्ड नंबर। एक फिक्स्ड नंबर से ही आपके नंबर्स एक एक करके इंक्रीज हो रहे हैं या फिर डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और वो जो फिक्स्ड नंबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी एक नंबर से अपने अगले टर्म को बढ़ाकर क्रिएट कर रहे हो, 1 के बाद में आपने 4 क्रिएट किया, तो मतलब आपने यहां पे 3 ऐड किया, आपने यहां पे 3 ऐड किया, लेकिन आपने फिर से 3 ही ऐड किया। अब आपने यहां पे मस्ती नहीं करी, अब आपने यहां पर जो है एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी है। यहां पर भी हमने 3 ऐड किया था, लेकिन 3 ऐड करने का 5 ऐड कर दिया था, फिर 7 ऐड कर दिया था, फिर 9 ऐड कर दिया था। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, हमने ऑलरेडी अगर नाम दे दिया है, हमने अपने टाइटल को लिख लिया है, तो भाई अब यहां पर हमें उसके अंडर, है ना, डिस्कशंस कर रहे हैं, जहां पर हम अपने सीक्वेंसेस को हमेशा कैसा पाएंगे कि आप जो भी यहां पर ऐड कर रहे हो वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। कोई सा भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, डरने वाली बात नहीं, लेकिन वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इस एग्जांपल में आप बार बार देख पा रहे हो कि आप 3 ऐड कर रहे हो, आपने 3 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, फिर आपने 3 ऐड किया, ठीक है। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्रिएट कर रहा है। लेकिन ये एक बहुत ही स्पेसिफिक एग्जांपल है जिसको हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि यहां पर आपका जो डी का वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहां पर जो ये स्मॉल डी है जो हम बार बार एड कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, +3 के बराबर है, मतलब आपका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नंबर हो सकता है।
लेकिन आप अगर अपने अगले सीक्वेंस को देखो यहाँ पे ध्यान से, तो आपने यहाँ पे 4 से स्टार्ट की थी कहानी, फिर आप 2 पे गए, फिर 0 पे गए, फिर -2 पे गए, फिर -4 पे गए, तो यहाँ पर तो आपका डिक्रीजिंग एपी क्रिएट हो रहा है। क्या क्रिएट हो रहा है? डिक्रीजिंग एपी क्यों हो रहा है? क्योंकि आप यहां पे सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। यहां पे कह सकते हैं वैसे कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका क्या है कि हमने अपनी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू, मतलब जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं वो हमने नेगेटिव ले लिया। हमने इस बार जो ऐड किया वो कितना था? -2 हमने ऐड किया। फिर हमने कितना ऐड किया? -2 हमने ऐड किया। फिर हमने -2 ऐड किया। फिर हमने -2 ऐड किया। हम बार बार एक ही नंबर ऐड कर रहे हैं, और इसलिए इस सीक्वेंस में आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो एक नेगेटिव नंबर है, विच इज -2। बट योर डिफरेंस कैन बी जीरो एज वेल। आप अगर 3-3-3-3-3 लाइन से लिख दोगे तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में काउंट होता है, इसमें डाउट मत रखना। आपका जो डी का वैल्यू है, जो आप यहां पे बार बार ऐड कर रहे हो, वो अगर आपने जीरो कर दिया तो क्या होगा? जीरो ऐड करोगे तो कोई चेंज नहीं आया। जीरो ऐड किया, जीरो ऐड किया, जीरो ऐड किया, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसको हमने याद रखना है, ठीक है? तो D के वैल्यू के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। D आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, एवरीथिंग इज अराउंड। इनफैक्ट आपका ये एक फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये एक इरेशनल नंबर भी हो सकता है, कोई मना ही नहीं है, ठीक है? D आपका लेकिन एक फिक्स्ड वैल्यू होगा फॉर सम क्वेश्चन, फॉर सम एग्जाम्पल, फॉर सम सीक्वेंस, ठीक है? अब यहां पर ये जो इसका नाम है, इसका नाम कॉमन डिफरेंस क्यों रखा गया है, आप यहां पे इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहां पे अपना पहला एग्जांपल एक बार फिर से रीराइट करूं, तो मेरे पास में जो टर्म्स आ रही है वो देखो ध्यान से क्या है। मेरे पास में 1 है, फिर मेरे पास में 4 है, फिर मेरे पास में 7 है, फिर मेरे पास में 10 है, एंड मेरे पास में 13 है, ठीक है? और इस तरह से आगे तक जा रहा है। तो अगर आपको यहां पर अब मैं बोलूं कि आपके जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है उनके बीच का डिफरेंस आप यहां पे नोटिस करो, ठीक है? तो फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस कितना मिला आपको? 3 के बराबर मिला। सेकंड और थर्ड के बीच का भी डिफरेंस कितना मिला आपको? 3 के बराबर मिला। फिर ये भी कितना मिला? 3 के बराबर मिला। तो आपके डिफरेंस के जो वैल्यूज है वो कॉमन है, आपके डिफरेंस के जो वैल्यूज है वो कॉमन है, इसलिए इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। लेकिन निकालना कैसे? कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके निकालना, ऐसा मत करना कि किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दे, ठीक है? कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंडर, तो आपको यहां पे हमेशा आंसर सेम मिलता है, एक कांस्टेंट आंसर मिलता है, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि सीक्वेंस क्रिएट करते समय इस बात का ध्यान रखा था। जब मैं यहां पे सीक्वेंस क्रिएट कर रहा था तो मैंने इस बात का ध्यान रखा था कि मैं सेम क्वांटिटी ही ऐड करूंगा, तो मैं रिवर्स में जब यहां पे सब्ट्रैक्ट करके देखूंगा तो मेरे पास में सेम ही क्वांटिटी आनी चाहिए ना। क्लियर? ऑलराइट, सो हमें यहां पे अभी एक इंपॉर्टेंट टर्म पता चली, विच इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है? लेकिन यहां पर कोई भी सीक्वेंस अगर आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं से तो शुरू होगा ना। आपका सीक्वेंस कहीं से भी शुरू हो सकता है। देखो यहां पे 1 से स्टार्ट हुआ और फिर इंक्रीज कर रहे हैं, 4 से स्टार्ट हुआ डिक्रीज कर रहे हैं, 3 से स्टार्ट हुआ 3 पे ही है। आपका सीक्वेंस कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए हम यहां पर फिर से एक नोटेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम यहां पर स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हो तो आपको दो चीजें बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने के लिए मिलेगी। एक तो मिलेगा आपको कॉमन डिफरेंस, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और एक मिलेगा आपको सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, जिसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है? अगर आपको ये दोनों चीजें पता चल जाती हैं तो हम यहां पर आ सकते हैं अपने आज के सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन के ऊपर, है ना? विच इज कि यार मेरे पास में अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो जैसे यहां पर मुझे रियलाइज होता है कि यार जनरल टर्म लिख के बड़ा फायदा होता है। यहां पर हमने क्या रियलाइज किया था? यार अगर मेरे पास में किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म आ जाए तो कोई अगर मुझसे इस सीक्वेंस का 10वां टर्म भी पूछ रहा है ना, तो भी 101 आंसर में कितने आराम से निकाल के बता रहा हूं। क्योंकि अब मुझे यहां पे एक्चुअली बीच के कोई भी टर्म क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई अगर बोल रहा है कि 10वां टर्म निकाल के बताओ, मैंने इसके अंदर 10 डाला, मेरा आंसर आ गया। सो जनरल टर्म निकालने का यह बेनिफिट है, ठीक है? सो इसलिए हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सो अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द बेसिक एग्जांपल्स, हमें अब वर्क करना है अपने जनरल टर्म के फॉर्मूले के ऊपर। एंड दिस इज वेरी वेरी इजी टू रियलाइज कि इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। इनफैक्ट आप बस यहां पे चीजें लिखते जाओगे तो आपको फॉर्मूला क्रिएट होते हुए दिख जाएगा। कैसे? अगर मैं यहां पर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल सीक्वेंस लिखने की अगर कोशिश करूं तो वो कैसे क्रिएट होगा? हमने यहां पर अभी डिसाइड किया है कि हम अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे और कॉमन डिफरेंस को मैं डी से डिनोट करूंगा। तो कॉमन डिफरेंस वाली जो वैल्यू है वो क्या है? बेसिकली आप यहां पे ध्यान से देखो, जो आपका कॉमन डिफरेंस डी है, जो यहां पे इस एग्जांपल में 3 के बराबर है, वही हम ऐड करके आगे वाले टर्म्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अगर मैंने यहां पर फर्स्ट टर्म ऑलरेडी ए लिख दिया है और मैंने यहां पर कॉमन डिफरेंस को डी बता दिया है,
तो अगला टर्म मेरा कैसे क्रिएट होना चाहिए, अगला टर्म मेरा ए प्लस डी होना चाहिए। फिर से मुझे अगर अगला टर्म क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा, मतलब प्लस डी करूंगा, और यहां पर मेरे पास में फिर से आंसर आ जाएगा अगले टर्म का, विच शुड बी ए प्लस टू डी, और ऐसे आपके उसमें ए प्लस थ्री डी, और हम इस तरीके से आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो क्या हमें यहां पर ऑलरेडी नजर आ रहा है कि हमारा फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? वैसे तो यहां पर 11वीं के बच्चे हो तो आपको यहां पर फॉर्मूला ऑलरेडी रटा हुआ है ना, एंड आई कैन इजीली सी कि यहां पर बहुत सारे बच्चे जो है फॉर्मूला लाइव चैट में लिख भी रहे हैं। लेकिन यहां पे अगर कोई पहली बार देख रहा है तो यहां पे ध्यान से देखें कि आप भी जो है इस बात को बड़ी आसानी से रियलाइज कर सकते हो। आपका जो फर्स्ट टर्म है, टर्म नंबर वन, उसके अंदर डी नहीं है। आपका जो सेकेंड टर्म है उसके अंदर एक डी है। आपका जो थर्ड टर्म है, टर्म नंबर वन, टर्म नंबर टू, टर्म नंबर थ्री, ये टर्म नंबर वन क्यों है? क्योंकि हमारा फर्स्ट टर्म है भाई, फर्स्ट टर्म यही है, फर्स्ट टर्म को ही हमने ए से डिनोट किया है, तो ये टर्म नंबर वन है, ठीक है। टर्म नंबर थ्री जो है इसके अंदर आपके दो डी हैं। टर्म नंबर फोर जो है इसके अंदर आपके तीन डी है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जिस भी पोजिशन की मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर मैं ये नोटिस कर सकता हूं कि मेरे पास में ए तो देखो ए ही आएगा, लेकिन डी की वैल्यू ये जो सब्सक्रिप्ट है इसके कंपैरिजन में एक कम आएगी। ये तो प्योर ऑब्जर्वेशन है, इसके अंदर कुछ भी सिखा नहीं रहा हूं, केवल देखने के लिए बोल रहा हूं आप लोगों को कि देख लो, ठीक है। तो क्या अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो सारे बच्चे एग्री कर जाएंगे कि आपका इसका मतलब इन जनरल जो nth टर्म होना चाहिए, nth पोजीशन पे लिखा हुआ जो आपका टर्म होना चाहिए वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, और आपके पास में ए तो आएगा ही आएगा, लेकिन डी की वैल्यू कितनी होगी, डी के साथ में मल्टीप्लीकेशन में कितना आएगा। टी फोर कर रहे थे तो तीन डी आ रहे थे, एक कम आ रहा था, है ना। टी थ्री कर रहे थे तो एक कम आ रहा था, टू डी आ रहा था। अगर मैं टी एन कर रहा हूं तो एक कम आएगा, एन माइनस वन इंटू डी आएगा, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज अचीव्ड डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन, कोई यहां पर आपको मेजर कैलकुलेशन करना ही नहीं है। क्लियर हो गया सारे बच्चों को, है ना। इसको नोट डाउन कर ले, आप सभी को ऑलरेडी ये बाय हार्ट होगा, लेकिन तब भी है ना, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ थ्योरी इसको भी अपने नोटबुक में जरूर लिखें। ऑलराइट, सो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे ही आपको ये बात पता चलती है, अब आप यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही सारे आप यहां पे जो है अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट विद दिस क्या आंसर आपका आना चाहिए इस केस में, एक बार सवाल पढ़ लें सारे बच्चे। तब तक मैं यहां पर जो है ऑप्शंस ए बी सी डी जो है आपके लिख लेता हूं, ए बी सी एंड डी। ऑलराइट, सो जल्दी से एक बार ट्राई करें सारे बच्चे। इफ 9 टाइम्स द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 13 टाइम्स द 13th टर्म, देन आपका 22nd टर्म का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये आपका सवाल है। ट्राई करें सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, जल्दी करो, नहीं करने से फायदा नहीं होगा, करने से फायदा होगा। अगर आप यहां पर एक डेढ़ घंटे की जो क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, वैसे तो आप बहुत सारी कर रहे हो क्योंकि आप तीन क्लास अटेंड कर रहे हो, साढ़े चार घंटे आप अटेंड कर रहे हो, लेकिन आप अगर जो भी यहां पर जो है टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपके हाथ में अगर एक पेन है और आप जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है अगर आप लिखते जा रहे हो, ठीक है, तो आप सबसे बढ़िया तरीके से इन लेक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, इस बात को समझ। क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा ही यहाँ पर जो है एक तरीके से वायरिंग हो चुकी है, वो क्या है कि जब हम क्लासरूम में जाएंगे, टीचर सामने आएगा, तो हम बैग में से ना नोटबुक निकालेंगे और कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और जब भी हम लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या मोबाइल के सामने बैठते हैं तो हमें ये सब जो है करने की आदत नहीं होती है, लेकिन यही तो चेंज करना है, ठीक है, यही हमें ऑनलाइन एजुकेशन में चेंज करना है, ठीक है, कि हम अगर लैपटॉप के सामने भी बैठे हैं तो भी एंटरटेनमेंट नहीं है आपके, ये बहुत ही सीरियस एक लेक्चर चल रहा है जो आपको अपनी जेई ड्रीम की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। सो आप भी साथ साथ मेहनत जरूर करें। चलो यहां पर लिखना है बस आपको, 9 टाइम्स द 9th टर्म T9 इज इक्वल टू 13 टाइम्स द 13th टर्म। क्या बात, तो हम यहां पर क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला जो जनरल टर्म का है उसको इस्तेमाल करेंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखते समय हमें यहां पर जो है मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि ये जिस एपी की बात कर रहा है उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, दिस इज द ओनली इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न, ठीक है। तो भाई अब इसी के साथ में हमें काम करना है, लेकिन कुछ वेरिएबल्स के साथ में यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं मान रहा हूं कि यहां पर आपका जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, और n माइनस वन इंटू डी करके मैं यहां पर कॉमन डिफरेंस की मदद से अपना एक्सप्रेशन कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और वैसे यहां पर भी कर लो 13 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस वन मतलब 12 इंटू डी, राइट। सो यहां से क्या आएगा, कुछ तो आएगा, सिंप्लीफाई करके देखते हैं हमारे पास में क्या बनेगा। यहां से आएगा 9a प्लस 72d इज इक्वल टू 13a, और ये कितना हो जाएगा, एक बार चेक करना सर,
यहां पर आपके पास होना चाहिए 144, 156, ठीक है। सो 156 डी आपके पास में यहां पर क्रिएट होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर सारी चीजें राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, आई विल गेट वन रिलेशन बिटवीन ए एंड डी एंड होपफुली दैट वुड बी समथिंग गुड। हम यहां पर जो है अगर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास में ए कितना बचेगा, 4a बचेगा, और डी के साथ में कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करो यहां पर 72 इसमें से, तो आपके पास में यहां पर 4 बचता है, और फिर 15 और 7 कितना बचेगा, आपके पास में 8 बचेगा, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन फाइनली दैट वी आर एट, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप करके देखोगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। अगर आप यहां पे 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा कितना, a प्लस 21d इज इक्वल टू 0। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर अस, क्योंकि यहां पर ये पूछ क्या रहा है, अब ये हमसे बहुत ही बढ़िया सवाल पूछ रहा है जहां पर हमें a और d कुछ भी नहीं पता होगा तो भी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है कि आप 22nd टर्म कितनी है इसकी बताओ। सो टर्म नंबर 22 होगा क्या, ये a प्लस 22 माइनस 1 इंटू d ही तो होगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस 21d, और इसी का वैल्यू तो आपने अभी जीरो निकाला है, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपने पहले किए हुए है ना, इंटरेस्टिंग होते हैं, सिंपल होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। हमारे यहां पर a आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू सॉल्व इज दिस, जल्दी से इसको भी अटेम्प्ट करो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। बिल्कुल सिंपल सवाल यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ना, कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में आपसे ये, है ना। इतना सिंपल सवाल तो आपको 10वीं बोर्ड में भी शायद नहीं आया होगा, बट अगेन जैसे कि हमने कहा यहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक की जर्नी हम यहां पे जो है कंप्लीट करनी है। सो बेसिक सवाल भी हम एक बार ट्राई जरूर करेंगे। सारे बच्चे आंसर बताएं, एबीसीडी में से क्या आना चाहिए, यस सी आंसर आना चाहिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका ए ऑप्शन, आपका बी ऑप्शन, आपका सी ऑप्शन एंड आपका डी ऑप्शन, ठीक है। आप बताओ यहां पर एबीसीडी में से कौन सा सही है। कुछ बच्चे यहां पर सी की तरफ जा रहे हैं, और ये सवाल एक्चुअली में इतनी ही जल्दी सॉल्व हो जाना चाहिए जितने जल्दी यहां पर लाइव चैट में बच्चों ने आंसर बताया है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस 4, 12, 20 up to 108। तो कभी भी आपको अगर इस तरह का सवाल सॉल्व करना है तो आप करोगे क्या, आप ये बोलोगे कि अच्छा ठीक है, ये जो आपका लास्ट टर्म है, लेट दिस टर्म बी द nth टर्म। अगर ये आपका nth टर्म है तो फिर ये nth पोजिशन वाला टर्म है, लेकिन ये तो लास्ट टर्म है, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। तो अगर मैं यहां पर अब n का वैल्यू फाइंड कर लूं तो इस सीक्वेंस में उतने ही टर्म्स होना चाहिए ना, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर n। तो मैं n की वैल्यू बेसिकली यहां पर अब फाइंड करना चाह रहा हूं, ठीक है। हम यहां पे नोटिस करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 4 के बराबर है, फर्स्ट टर्म कहां से आपकी जो है गाड़ी स्टार्ट हो रही है, और आपका कॉमन डिफरेंस यहां पर कितना है, तो भाई आपका कॉमन डिफरेंस 8 के बराबर है, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ tn इन दिस केस। सो tn का बेसिकली फॉर्मूले के थ्रू अगर आप देखते तो आपका आंसर क्या बनता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बट इन दिस केस वी नो वॉट द वैल्यू ऑफ tn इज, तो 108 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a मतलब 4 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वी हैव ओनली वन अननोन n इन दिस केस, तो हम इसको सॉल्व करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। जल्दी से यहां पे सॉल्व करो, 4 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा, 104, 104 को 8 से डिवाइड करना है, 104 को 8 से डिवाइड करो, ये आपके n माइनस 1 की वैल्यू है, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, दैट शुड क्रिएट योर फाइनल आंसर। 8 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 वन टाइम्स जाएगा, उसके बाद में आपके पास में 2 बचेगा तो वो 3 टाइम्स जाएगा, प्लस 1 करोगे तो आपका यहां पे 14 आंसर क्रिएट होता है। सिंपल है, बढ़ सकते हैं आगे, बहुत बढ़िया सी आंसर आ रहा है इसका। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी वांट टू डू इज दिस। अब ये काफी अच्छा सवाल है, ये काफी अच्छा सवाल है, इसके ऊपर थोड़े बच्चे जो है टाइम अगर लगा भी देंगे तो दिक्कत नहीं है, ओके, बट डू इट करेक्टली। आपने साइड से अगर आप यहां पे एफर्ट लगा रहे हो, सही एफर्ट लगाओ, पूरे एफर्ट्स लगाओ, है ना, और देखते हैं यहां पर लाइव चैट में अगर हमारे सॉल्यूशन के पहले बच्चे करेक्ट आंसर बता पा रहे हैं। वी हैव अगेन 4 ऑप्शंस विद अस, ए बी सी एंड डी। ऑलराइट, क्या क्वेश्चन पूछा है, द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 500 दैट आर डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 21 that are divisible by 7 but not by 21. It is a good question. धीरे धीरे हम यहां पर जो है अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल प्रोग्रेशन की तरह। तो पहले तो यहां पर अगर मुझे इस सवाल को सॉल्व करना है, मैंने यहां पर कुछ एक वैल्यूज क्रिएट करके देख लेने चाहिए, ठीक है, कोई यहां पर गुनाह नहीं है। हम यहां पर पहले क्वेश्चन को समझ तो लें, क्या कहते हो, नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 500 दैट आर डिविजिबल बाय 7। पहली बात तो 7 के ऊपर फोकस करते हैं, 21 पे बाद में जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर 7 से डिविजिबल नंबर चाह रहा हूं जो लाए करते हैं 100 और 500 के बीच में, तो सबसे पहले तो मैंने क्या निकालना चाहिए कि 7 से डिविजिबल सबसे पहला नंबर
कौन सा होगा? 7 से डिविजिबल सबसे पहला नंबर कौन सा होगा? मेरे ख्याल से वहां से अगर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे तो हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सो अभी हमें नोटिस करो कि आप अगर 100 को 7 से डिवाइड करने की कोशिश करते हो तो होता है क्या वो डिवाइड? नहीं भी होता है तो भी करके देखो, क्योंकि आपका रिमाइंडर जो है वो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि आपका फर्स्ट टर्म कौन सा होगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद के टर्म्स लिखना ज्यादा मुश्किल नहीं है, फर्स्ट टर्म लेकिन यहां पे निकालना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास में 7 से डिवाइड करने पे ये 7 वन टाइम्स जाता है, मेरे पास में 3 बचता है, 0 टाइम्स आता है, एंड आई गेट 4 मल्टीप्लाई करके 28, एंड आई एम लेफ्ट विथ 2 एज द रिमाइंडर। मेरे पास में 2 रिमाइंडर बचा। अगर यहां पे 2 रिमाइंडर की जगह 5 और आगे की बात होती, अगर इसके अंदर मैं प्लस 5 कर देता तो रिमाइंडर कितना बचता फिर मेरे पास में? 7 बचता, और 7 अगर मेरे पास में रिमाइंडर बचता तो वो डिवीजन कंप्लीट हो जाता आपका बाय 7। बात समझ में आ रही? तो 7 से डिविजिबल सबसे पहला नंबर, इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है? 100 में आपको फर्दर क्या करना पड़ेगा? प्लस 5 करना पड़ेगा। सो हमारा यहां पर जो सीक्वेंस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स एट 105 इज द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। ये आइडिया समझ में आ गया सारे बच्चों को? यहां से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। 105 इज द फर्स्ट नंबर, कितना होगा ये? 7 वन टाइम्स जाएगा, फिर 5 टाइम्स जाएगा, 15 टाइम्स होके ये डिवाइड हो जाएगा। अब ऑलरेडी आपके उसमें अगर पहला नंबर आ चुका है तो आप यहां पे नोटिस करो कि अगला वाला नंबर आपको अगर डिविजिबल निकालना है तो वो तो 7 ऐड करने पर ही आपको मिलेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप एक बार करके देख लो, ठीक है। लेकिन अगला नंबर आपको 7 ऐड करके मिलेगा, ठीक है। अगर आप इसके अंदर 7 ऐड करोगे तो होगा कितना? वैसे 7 ऐड करोगे तो 5 और 2 मतलब 112 होगा, ठीक है। अगर आप और 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7 और मतलब 100 कितना हो जाएगा? 19 होगा क्या, ठीक है। 7 ऐड करोगे तो 119 होगा, ठीक है। 119 भी आपके यहां पर डिविजिबल है, और ऐसे ही आप आगे तक अपनी गाड़ी बढ़ा सकते हो। जैसे कि यहां पर आपके उसमें अभी आएगा, इसके बाद में 126 और ये आगे तक जाएगा। लेकिन अब यहां पर बात यह है कि ये कहां तक जाएगा, बात यह है कि ये कहां तक जाएगा। आपको यहां पर जो है मैक्सिमम लिमिट लगा कर रखी है 500 के ऊपर, ठीक है। मैं चाहता हूं कि 500 या उससे कम एक नंबर मिले जहां पर मेरा सीक्वेंस एंड हो जाए। सीक्वेंस में खास बात क्या है कि वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। तो फिर से हम यहां पर जो है ये रिमाइंडर वाला आइडिया इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहां पर एक बार नोटिस ये करें कि अगर मैं 500 को डिवाइड करूंगा, अगर मैं 500 को डिवाइड करूंगा 7 से तो मेरे पास में कितना रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। दैट विल हेल्प अस, या फिर आप डायरेक्टली भी सोच रहे हो तो सोच लो, ठीक है। बट दिस इज द एग्जैक्ट वे इन विच यू शुड थिंक अबाउट, ठीक है। तो 7 जो है 7 टाइम्स जाता है तो हमारे पास में 49 बचता है, हमारे पास में 1 और 0 बचेगा। 7 वन टाइम्स जाके 7 बचाएगा तो हमारे पास में 3 बचेगा। सो बेसिकली अगर ये 3 कम होता, ये 500 की जगह अगर एक स्टेप कम, दो स्टेप कम, तीन स्टेप कम, अगर ये 497 होता, ठीक है। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता था, ठीक है। देखो यहां पे 497, 7 7 टाइम्स जाएगा, 7 1 टाइम्स जाएगा, और ये आपका 71 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो हमें यहां पर बेसिकली रिमाइंडर गाइड कर रहा है। हमें अगर आगे जाना है तो हम एक ऐसी वैल्यू ऐड करते हैं जिससे आपका जो है डिविजन करने वाला नंबर रेडी हो जाए। अगर आपको पीछे जाना है तो जितना आपके पास रिमाइंडर आ रहा है उतना आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सो वी हैव दैट एंटायर सीक्वेंस विथ अस, वी हैव दिस एंटायर सीक्वेंस विद अस, जो यहां पर हमें बेसिकली कंसिडरेशन में रखना है, क्लियर। ऐसे सवाल वैसे आपने 10वीं क्लास में अगर बाय चांस आरडी शर्मा वगैरह टाइप की बुक सॉल्व की होगी तो उसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करने के लिए मिले होंगे, ठीक है। ऑलराइट, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी काफी अच्छा चैप्टर लगता है बच्चों को, क्योंकि वो भी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक आइडिया 10वीं क्लास में डिस्कस हो गया होता है, ठीक है। सो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। हमें यहाँ पर अगर किसी एक आइडिया को कंटिन्यू करने को मिलता है सो दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। प्योरली न्यू आइडिया जनरेट करने में थोड़ा सा हमें ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ता है। सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे यहाँ पे अब कोई बोल रहा है नंबर ऑफ नंबर्स तो मैं इनको काउंट कर लेता हूँ ना, कितने हैं ये, कितने हैं ये, कैसे काउंट करूंगा? फिर से यहाँ पर मैंने आपको एक सिंपल सवाल सॉल्व करके इसीलिए दिखाया था कि आपके पास में अगर एक गिवन सीक्वेंस है तो क्या उस गिवन सीक्वेंस में आप नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करके निकाल सकते हो क्या? Yes. तो ये सवाल करने का मेन रीजन क्या था कि मैं आपको ये मेथड बता दूं कि आपको यहां पे सीक्वेंस की मदद से नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालनी होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है कि सीक्वेंस भी हमें ही क्रिएट करने की जरूरत पड़ी थी। अब हम यहां पर जो है नंबर ऑफ टर्म्स वाला आइडिया फिर से इस्तेमाल करेंगे। हम बोलेंगे कि यार इसको मान लेते हैं कि आपका nth टर्म है, ठीक है, आपका tn है। तो आपके यहां पर tn का फॉर्मूला होता क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वी नो द वैल्यू ऑफ tn, आपका लास्ट टर्म यहां पर जो nth टर्म है दैट इज 497। हम यहां पर जो फर्स्ट टर्म लेके चल रहे हैं दैट इज 105। n हमें पता नहीं है और कॉमन डिफरेंस लेकिन हम बहुत श्योर हैं कि भाई यहां पर जो है 7 7 के स्टेप के बाद में ही आपको 7 से डिविजिबिलिटी मिलेगी।
सो लेट अस कैलकुलेट दिस. यहां पर अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा, यहां पे मेरे पास में आएगा पहले 2, फिर आएगा 9, फिर आएगा मेरे पास में 3, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 7 से और ऐड कर दूंगा 1, तो मेरे पास में n का वैल्यू निकल कर आ जाना चाहिए. ठीक है, तो जल्दी से बताओ यहां पर n का वैल्यू कितना हो गया. देयरफॉर n इज इक्वल टू 3 से अगर आप डिवाइड करोगे 7 5 टाइम्स जाएगा, है ना. 7 जो है 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाने के बाद में आपका उसमें 4 बचेगा, 6 टाइम्स जाएगा और प्लस 1 करके आपका उसमें 57 आएगा. ठीक है, सो हमारे पास में बेसिकली इसके अंदर 57 टर्म्स है. लेकिन अभी तो ये सवाल जो है फार फ्रॉम ओवर है, ये आंसर नहीं है हमारा अभी. तो अभी आए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से सारे बच्चे. ठीक है, सबसे पहले आपने करेक्ट आंसर बोला था. ओके, अजय सिंह की सबसे पहले उसने करेक्ट आंसर बताया था. ओके, वेरी गुड, ऑलराइट. लेकिन अभी अभी आपका फाइनल आंसर निकला नहीं है, है ना. ये ए आंसर आपका करेक्ट नहीं. डोंट फॉल अंडर द ट्रैप ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन देखा, एक नंबर आ गया, उसी को मार्क करके आगे बढ़ते. अभी सवाल तो बहुत आ गया, अभी 21 का डिस्कशन भी नहीं किया. द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन दिस एंड दैट, दीज आर नंबर्स लाइंग बिटवीन दिस एंड दैट दैट आर डिविजिबल बाय 7. हमने यहां पे काउंटिंग कर ली, वो कितने आए, 57 आए. लेकिन उनमें से आपको वो नंबर्स हटाने हैं काउंटिंग में से जो 21 से भी डिविजिबल हैं. तो वो कौन कौन से नंबर्स हैं जो अभी यहां पे 21 से डिविजिबल होंगे, वो नंबर्स अगर आप यहां पे देखना चाहते हो तो आप यहां पे नोटिस करो कि आपका पहला नंबर 21 से डिविजिबल है क्या, पूछ रहा हूं मैं, करके देखो. ये ऐसे 21 से डिविजिबल है, 21 इंटू 5 जो है वो 105 के बराबर आपको मिलता है. ठीक है, सो अगर आप यहां पे 21 वाला सीक्वेंस जो है नोटिस करना स्टार्ट करोगे, सो दिस एक्चुअली बिकम्स द फर्स्ट टर्म ऑफ दैट रिक्वायर्ड सीक्वेंस एज वेल. 21 से डिविजिबल वाले टर्म्स को आपको काउंटिंग में नहीं लेना था. ठीक है, 7 से डिविजिबल वालों को लेना था लेकिन 21 वालों को नहीं लेना था. तो मैंने क्या सोचा, यहां पे 7 से डिविजिबल जो भी हैं उन सबको काउंट कर लेते हैं और फिर 21 वालों को भी काउंट कर लेते हैं और उनको हटा देंगे. तो अब यहां पे हम नोटिस क्या करते हैं कि अगर मैं यहां पे एक याला टर्म देख चुका हूं तो 7 ऐड करके 7 ऐड करके फिर से 7 ऐड करके तो मैंने टोटल 21 ऐड कर दिया. तो अगर मैं यहां पे यहां से यहां तक की जंप नोटिस करूंगा तो ये 21 वाली जंप है, प्लस 21 वाली जंप है. ठीक है, ऑलराइट. सो ये भी नंबर पक्के से 21 से डिविजिबल होना चाहिए. आप चाहो तो एक बार चेक करके देख लो, 21 इंटू 6 है ये, 21 इंटू 5 था ये, 21 इंटू 6 है. तो हमें ये क्लियर होता है कि यार अब ये जो पर्टिकुलर आपके नंबर्स हैं ये कितने जंप के बाद में आपको मिलेंगे, ये 21 की जंप के बाद में आपको मिलेंगे. ठीक है, तो अब यहां पर एक आइडिया तो ये है कि आप फिर से एक नया सीक्वेंस जनरेट करो जिसमें कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आपका 21 है, फर्स्ट टर्म ये है, फिर कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 21 है, फिर से आप यहां पर जो है लास्ट टर्म लेकर अपना नंबर ऑफ टर्म्स का कैलकुलेशन कंप्लीट कर सकते हो. बट देयर इज वन मोर वे टू एक्चुअली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज व्हाट यू विल नोटिस इज कि आपका जो 21 से डिविजिबल नंबर है वो 7 से डिविजिबल पक्के से होगा. और आप यहां पे ये भी देख पा रहे हो कि अगर आप अपने एंटायर सीक्वेंस अवेलेबल सीक्वेंस को तीन तीन के ग्रुप में तोड़ दो, तीन तीन के ग्रुप में तोड़ दो, तो आपको यहां पर जो है उन तीन में से एक नंबर डिविजिबल बाय 21 मिलता है. बिकॉज 21 इज वॉट, 21 इज बेसिकली 7 इंटू 3. ठीक है, 7 इंटू 3, इसलिए यहां पर आपके तीन तीन के ग्रुपिंग कंप्लीट तो होंगे. ठीक है, आपके तीन तीन के ग्रुपिंग अगर आप यहां पे कंप्लीट करोगे तो आपको जो फर्स्ट वाला यहां पर नंबर मिल रहा है वो हर बार 21 से डिविजिबल मिलेगा. सो वी डोंट वॉन्ट टू काउंट दोज नंबर्स. तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि मैं इसका मतलब 2/3 नंबर्स काउंट करना चाह रहा हूं, 1/3 ऑफ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 21, सो रिमेनिंग 2/3 आर डिविजिबल बाय ओनली 7 एंड नॉट बाय 21. ठीक है, तो हम यहां पे दो स्टेप में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ नंबर्स डिविजिबल बाय 21 ऑल्सो, देखो 7 से तो डिविजिबल होंगे, जो भी 21 से डिविजिबल है वो 7 से डिविजिबल होंगे, वो एडिशनली 3 से भी डिविजिबल होंगे, 7 से भी डिविजिबल होंगे, 3 से भी डिविजिबल होंगे. ठीक है, सो नंबर्स डिविजिबल बाय 21 ऑल्सो आर हाउ मच, दीज आर बेसिकली 1/3 ऑफ द अवेलेबल नंबर्स, 1/3 ऑफ 57. ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लो और फिर इसको 2 टाइम्स कर लेना तो बचे हुए आपके जो नंबर्स हैं वो आपको यहां पर मिलेंगे. ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना, ऐसा भी आपको हो तो चलेगा. सो 3 1 टाइम्स जाएगा और आपके इसमें यहां पर 19 टाइम्स जाएगा. इतने नंबर्स बेसिकली आपके जो हैं ये 21 से भी डिविजिबल हैं. तो आपके अब यहां पे देयरफॉर रिक्वायर्ड काउंट जो है वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा आपका टोटल अवेलेबल विच इज 57, उसमें से आप यहां पे 19 वैल्यूज अलग कर दो, 38 इज अवर फाइनल आंसर इन दिस केस. ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर.
इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है? सी है। यस, सी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहां पर है ना, दो तीन चीजें हमने बहुत अच्छी सीखी हैं। आपको अगर 10वीं क्लास में ये बात नहीं समझ में आई थी तो शायद अब समझ में आ गई होगी कि हम यहां पे सीक्वेंस क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, सीक्वेंस अगर आपको क्रिएट करना है ना, ड्यूजिलिटी वाले सीक्वेंस अगर आपको क्रिएट करना है और आपको अगर नंबर्स इनिशियली फाइंड करने में दिक्कत आ रही है, देन आपको एक्चुअली डिवाइड करके ही देखना होता है। आप एक्चुअली 100 को डिवाइड कर दो, जो लोएस्ट पॉसिबल आपको सिनेरियो दिया है उसको डिवाइड करके देखो कि आपका रिमाइंडर कितना बचा। वहां से आपको हिंट मिलता है कि आगे वाला कौन सा नंबर आपने लेना चाहिए ताकि परफेक्टली डिविजिबिलिटी आ जाए। चमक गया सर बच्चों? यस, सो दिस इज व्हाट वी हैव विथ अस राइट नाउ। ठीक है, हमारे पास में एक रेड वाला सीक्वेंस था, उसमें नंबर ऑफ काउंट कितना आया? 57 आया। उसमें से 1/3 वैल्यूज 21 से डिविजिबल थे, वो 1/3 वैल्यूज हमने हटा दिया, तो हमें यहाँ पे अभी बचे हुए नंबर जो मिल रहे हैं वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। रिक्वायर्ड काउंट जो है वो हमारा यहाँ से निकल कर आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस डू मोर क्वेश्चंस। जितने अलग अलग सवाल करेंगे उतना जो है हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा। नाउ लेट अस ट्राई टू डू दिस। ये बताओ है ना, ये वाला सवाल सॉल्व करो। ये आपका ए ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है, ये आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, जल्दी से यहां पर जो है सवाल को नोटिस करो। डरना नहीं है, देखो पहली बात तो ये कि डरना नहीं है, सवाल सिंपल है। क्योंकि सिंपल है इसकी गारंटी कौन दे रहा है? थ्योरी। अभी हमने कोई थ्योरी पढ़ी नहीं है, अभी हमने अगर कोई थ्योरी खास पढ़ी नहीं है तो डिफिकल्ट एकदम से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ठीक है, सो डोंट वरी। ठीक है, ट्राई करें सारे बच्चे, राइट आउट एवरीवन। A1, A2, A3 अप टू AN आर इन AP। यहां पर दिया हुआ है कि ये सारे टर्म्स आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए कि यार ये AP की एक बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ये जो आपका A1, A2, A3 अप टू AN है ना, अगर मैं इनका डिफरेंस लिखूंगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिखूंगा, है ना, इसी तरीके से लिख लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। A1, A2, A3 ऐसा करते करते ये AN तक जो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है गारंटी दे रहा है क्वेश्चन वाला, है ना। वो बेसिकली एक तरीके से कहना चाह रहा है कि आप अगर यहां पे सब्ट्रैक्ट करते हो किसको, A2 माइनस A1 को, तो आपके पास में जितना आंसर आता है, मान लेते हैं D आता है, उतना ही आंसर आपको फिर से मिलेगा अगर आप A2 और A3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो। ठीक है, सॉरी, A3 और A2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो, है ना, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म आपका डी के बराबर होता है। आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म आपका डी के बराबर होता है, ये आप बिल्कुल आंख बंद करके बोल सकते हो। ठीक है, इन जनरल अगर आप कहना चाहते हो तो आप यहां पर ये बोलो कि यार ऐसे ही आपका लास्ट वाला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो किसके लिए बनेगा, ये बनेगा आपका an माइनस an माइनस 1 के साथ में, और वो भी आपकी वैल्यू डी के बराबर ही आएगी। ठीक है, ऐसा आप डॉट 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 करके एंड तक बता सकते हो। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस आपका हमेशा सेम आता है, यही तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सिखाया जाता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन राइट अबाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ऑलराइट, अगर आप इस बात के साथ में कन्विंस्ड हो तो लेट अस कम टू द गिवन एक्सप्रेशन। ये जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है इसके अंदर हमें इतने सारे अंडररूट देख के जो है एकदम बचपन में जो हमने चीज सीखी है रैशनलाइजेशन, वो सबसे पहले दिमाग में चमकती है। डिनोमिनेटर में अंडररूट आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, रैशनलाइज कर दो, है कि नहीं? ये हमने जो है बचपन में ऑलरेडी बहुत अच्छे फील के साथ में अपने दिमाग में बात बैठा के रखी है, एंड गुड थिंग इज कि यहां पर ये काम करेगी। ठीक है, आपके उसमें यहां पर जो पहला टर्म है वो क्या है, अंडररूट के अंदर A1 प्लस अंडररूट के अंदर A2। तो आप अगर इस पर्टिकुलर टर्म को रैशनलाइज करना चाहते हो तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर और नीचे? अगर ये ओरिजिनली एक्सप्रेशन प्लस वाला है तो रैशनलाइज करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस वाला काउंटर पार्ट। ठीक है, तो मैं यहां पे ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा √A1 - √A2 और नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा मैं √A1 - √A2। लेकिन होगा क्या, यहां पर होगा ये कि आपको यहां पर मिल जाएगा A² - B² विच विल जनरेट A1 - A2। यस और नो? अगर हमने ऑलरेडी ये नीचे लिखा हुआ है √A1, ओके, एक स्टेप में करके पूरा दिखा देता हूं, √A1 + √A2 आपके पास में पहले से था, आपने ये जो ऊपर मल्टीप्लाई किया यही आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √A1 - √A2। तो यहां पर A+B × A - B वाले आइडिया से आप क्या जनरेट कर पाओगे, आप यहां पर ऐसे कुछ एक्सप्रेशन जनरेट कर पाओगे √A1 - √A2 / A1 - A2। नाउ वी हैव ऑलरेडी
रिटर्न वन इक्वेशन विच इज ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस डी। लेकिन यहां पर जनरेट क्या हुआ है हमारे पास में, ए वन माइनस ए टू जनरेट हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन अपोजिट है, तो हम इसको माइनस डी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको? माइनस डी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका रूट ए वन माइनस रूट ए टू अपॉन माइनस डी। एग्रीड? सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं इस बात के साथ में? अभी हमने यहां पर जो है, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या देखा डिनोमिनेटर में, ए वन और ए टू का कॉम्बिनेशन देखा, इसलिए हमने उन्हीं का काउंटर पार्ट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रैशनलाइजेशन के बारे में सोचा। तो अब अगले वाले स्टेप में क्या करना चाहिए बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। अगले वाले में ए टू और ए थ्री है हमारे पास में, तो मैं यहां पर ऊपर और नीचे क्या मल्टीप्लाई करूंगा, रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री, रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री। और जैसे कि आपका रैशनलाइजेशन वाला स्टेप कंप्लीट हुआ था, यहां पर नीचे वाला स्टेप अगले ही स्टेप में कंप्लीट कर लें। अगर आपको इसका माइनस वाला काउंटर पार्ट मिलता है तो आप यहां पर इसको डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडिया से सिंप्लीफाई करके ए टू माइनस ए थ्री बोलोगे, जैसे कि आपने क्या किया था यहां पर, आपने ए वन माइनस ए टू बोला था। लेकिन ए वन माइनस ए टू का भी वैल्यू माइनस डी के ही बराबर है, और ए टू माइनस ए थ्री का भी वैल्यू माइनस ऑफ डी के ही बराबर आएगा अल्टीमेटली। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये भी आपका वैल्यू माइनस डी के ही बराबर आएगा। तो क्या मैं एक जनरलाइज पैटर्न यहां से इमेजिन कर पा रहा हूं? क्या एक जनरलाइज पैटर्न आपको यहां पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहां पर अपने ओरिजिनल क्वेश्चन को भी यहां पर अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पर अब फाइनली ऐसा कुछ लिख सकता हूं। बीच वाला स्टेप आप यहां पर जो कर रहे हो उसको आप रफ की तरह ट्रीट करो। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट इज कि भाई ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ये तो आप ऐसे लिखो, रूट ए वन माइनस रूट ए टू अपॉन माइनस डी। अगले वाले एक्सप्रेशन को आप लिखो रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री अपॉन माइनस डी। और ऐसे करते करते आप एंड वाले तक भी जाओ, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एंड वाले में भी हमने ये लिखा हुआ है ए एन माइनस ए एन माइनस वन भी हमारा डी के ही बराबर है। लेकिन यहां पर जनरेट क्या होगा, जैसे पहले भी दिक्कत आ रही थी, यहां पर भी आपका डिनोमिनेटर में ए एन माइनस वन माइनस ए एन जनरेट होगा, उल्टा जनरेट होगा, ए एन माइनस वन माइनस ए एन, मतलब उसको हमने क्या लिखना चाहिए डिनोमिनेटर में, फिर से माइनस डी ही लिखना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर न्यूमिनेटर में क्या आएगा, रूट ऑफ ए एन माइनस वन माइनस रूट ऑफ ए एन, और नीचे आएगा हमारे पास में फिर से माइनस डी। अब जैसे ही आप यहां पे डिनोमिनेटर का माइनस डी कॉमन निकालते हो, आपको मजा आ जाएगा। जैसे यहां पर मैं माइनस डी कॉमन निकालूंगा डिनोमिनेटर से, मेरे पास में अंदर क्या क्या बच रहा है देखो, मेरे पास में रूट ए वन माइनस रूट ए टू प्लस रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री, और ये चलते जाएगा आगे तक। तो क्या एक कैंसिलेशन का पैटर्न आपको समझ में आया? क्या आपको एक कैंसिलेशन का पैटर्न समझ में आया? दिस कैंसिलेशन का पैटर्न विल स्टडी अ लॉट ऑफ टाइम्स इन दिस चैप्टर। ठीक है, आपके यहां पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बच्चों कैंसिल होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जाएंगे, तो होते जाएंगे तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा आपका? एक तो देखो यहां पर जो है ए टू और ए टू कैंसिल हुआ, इसके बाद मैंने टर्म लिखी नहीं है, लेकिन क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हो कि यहां पर जो नेगेटिव ए थ्री आया है उसी का पॉजिटिव ए थ्री जस्ट इसके पास में लिखा हुआ होगा, जैसे कि ये दोनों पास पास लिखे हुए हैं, जैसे कि ये दोनों पास पास लिखे हुए हैं, वो यहां पर कैंसिल होते जाएंगे, कैंसिल होते जाएंगे, और इसको भी कैंसिल कर देंगे। राइट, तो हमारे यहां पर अब बचेगा क्या, हमारे पास सबसे पहला वाला टर्म और सबसे आखिरी वाला टर्म यहां पर बचने वाला है, क्योंकि सबसे पहले वाले टर्म को कैंसिल करने के लिए इसके पहले कुछ नहीं है, और सबसे आखिरी वाले टर्म को कैंसिल करने के लिए इसके बाद में कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमें इसलिए यहां पर जो बचा हुआ मिलेगा वो क्या है, रूट ऑफ ए वन माइनस रूट ऑफ ए एन। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि हमारा ये जो पर्टिकुलर भी लाल कलर का एक्सप्रेशन है, इसके अंदर डी के फॉर्मेट में हमने आंसर लिखा हुआ है। एंड द प्रॉब्लम इज कि डी तो हमने खुद ने इमेजिन किया है, डी क्वेश्चन में गिवन नहीं था। ठीक है, ये हमने बोला कि मान लेते हैं कि अभी जो है इसका कॉमन डिफरेंस डी के बराबर है, सो वी कैन नॉट रिपोर्ट अवर आंसर इन टर्म्स ऑफ डी, इसलिए यहां पर आपको कोई भी आंसर डी के फॉर्मेट में नजर नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करें, अगर हम यहां पर फिर से चेंजेस करने हैं, हमारे पास में आंसर आ चुका है, वी नो दिस। ठीक है, बट नाउ वी हैव टू समहाउ रिप्लेस दिस एक्सप्रेशन ऑफ डी। ठीक है, ऑलराइट, तो क्या कर सकते हैं हम यहां पर, बेसिकली देख पा रहे हैं कि यार ये an और a1 का कुछ चक्कर है, a1 और an का कुछ तो यहां पर चक्कर चल रहा है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसको बैक रैशनलाइज कर देते हैं, है ना, इसमें क्या करते हैं, इसका जो पॉजिटिव वाला काउंटर पार्ट है वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई कुछ ना कुछ तो हमें करना है इसको। ठीक है, सो इफ आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस, लेट मी डू दिस स्टेप, है ना, जहां पर मैं बोलता हूं कि आपके पास में वन अपॉन माइनस डी है। ठीक है, और आपने अगर इसके अंदर रैशनलाइजेशन कर दिया,
रिवर्स वाला रैशनलाइजेशन कर दिया, तो आप यहां पर क्या कर रहे हो, इसका पॉजिटिव वाला काउंटर पार्ट नीचे और पॉजिटिव वाला काउंटर पार्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो पॉजिटिव वाला नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो अभी कुछ भी नहीं था, पॉजिटिव वाला मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा पूरा आपको वहां पर नजर आएगा, ठीक है। सो वी विल हैव अंडर रूट के अंदर ए वन प्लस अंडर रूट के अंदर ए एन। लेकिन अगर मैं इस नेगेटिव काउंटर पार्ट में इसी का पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे फिर से यहां पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट हट जाएगा, ए वन माइनस ए एन मेरे पास में आएगा। सो नाउ कैन यू रिप्रेजेंट ए वन माइनस ए एन इन टर्म्स ऑफ डी, अगर ये कर दोगे तो आपको यहां पर अपना आंसर मिल जाना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेयर वी आर नाउ गोइंग टू यूज दिस स्पेस, है ना, क्योंकि मेरे पास में अभी यहां पे जगह बची नहीं है। ऑलराइट, सो ये वाला स्पेस जल्दी से इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास में अभी यहां पे बाय चांस आ गया है। मुझे बताओ कि आपका ए एन का एक्सप्रेशन क्या बनना चाहिए। इस क्वेश्चन में इसने टी एन ना बोल के इसको ए एन बोला हुआ है, इस क्वेश्चन में इसने इसको टी एन ना बोल के ए एन बोला हुआ है। और ए एन का एक्सप्रेशन हमारे पास में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आप a1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे और d से डिवाइड कर दोगे तो आपके उसमें an माइनस ए वन अपॉन डी किसके बराबर आता है, ये आपका n माइनस वन के बराबर आता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको माइनस डी चाहिए और न्यूमरेटर में भी आपको a1 वन माइनस ए एन चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप यहां पे ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप ऊपर नीचे माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है ए वन अपॉन ए एन अपॉन माइनस डी इज इक्वल टू एन माइनस वन। ये आपका मेन एक्सप्रेशन है। आप इस कॉम्बिनेशन को a1 वन माइनस ए एन अपॉन माइनस डी को रिप्लेस कर सकते हो, a1 वन माइनस ए एन अपॉन माइनस डी को आप रिप्लेस कर सकते हो विद जस्ट n माइनस वन। कहां से, हमारे स्टैंडर्ड जनरल टर्म के फॉर्मूले से, ठीक है। अगर आप n माइनस वन यहां पर रिप्लेस करते हो तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलता है, अगर आप यहां पर बस इस ग्रीन डब्बे की जगह n माइनस वन लिखो और कुछ भी मत लिखो तो आपके इसमें कितना आएगा, n माइनस वन अपॉन रूट ऑफ ए वन प्लस रूट ऑफ ए एन। दिस इज अवर फाइनल आंसर, एन माइनस वन अपॉन रूट ऑफ ए वन प्लस रूट ऑफ ए एन। ए हमारे यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्लियर हो, समझ में आया, जल्दी से थम्स अप देके बताओ अगर समझ में आया तो, सो दैट वी कैन प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्लियर है, हाँ जी, बुक्स की कोई कमी नहीं है बच्चों, बुक्स तो हमारे पास में बहुत सारे हैं। ओके, व्हाट इज बेटर टू राइट नोट्स व्हाइल वॉचिंग लेक्चर्स और राइट आफ्टर कंप्लीटिंग द लेक्चर। देखो यहां पर मैं आपको नोट्स के लिए बता देता हूं, मैथमेटिक्स में स्पेशली ऑल यू नीड आर शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ऑल यू नीड आर शॉर्ट नोट्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। आपको यहां पर जो है नोट्स, अभी आपको क्या लगा यहां पर, कितना आपको ऐसा लगा कि यार नोट डाउन कर लेना चाहिए मैंने, ठीक है। मैं यहां पर जो है क्वेश्चंस जो आपको करा रहा हूं वो तो आप कर ही रहे हो ना, आपकी यहां पर जो क्लास नोट्स की बेसिकली यहां पर जो आपकी बुक जनरेट हो रही है उसके अंदर आपको बस इतना ही एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना था, उसके अंदर हम यहां पे क्वेश्चंस करें, फिर से हम यहां पे सम का एक छोटा सा फॉर्मूला करेंगे, फिर से हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो आपका मैथ्स तो यहां पर बहुत ही सॉर्टेड है, आई डोंट थिंक यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा दिक्कत आनी चाहिए, लेकिन कोशिश करो कि हम जब यहाँ पे सवाल ख़त्म कर रहे हैं तो उसी टाइम पे आपका भी सवाल जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम जब ऑफलाइन में बैठते हैं तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं। यस और नो, चमक गया सारे बच्चों को क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलो तो ऐसे ही हम यहाँ पर जो है अपना लेवल अप करते जाएंगे, वी हैव कंप्लीटेड दिस वियर्ड लुकिंग क्वेश्चन, है ना। अब एक और सवाल करते हैं विच अगेन विल गिव यू, है ना, अ वेरी गुड फीलिंग कि हमें यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, इवन इफ द थ्योरी इज जस्ट टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इनटू डी, तब भी हमें यहाँ पे मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। दिस क्वेश्चन विल अगेन इलस्ट्रेट द सेम फैक्ट फॉर यू। द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू टू ए पीज 3711 अप टू 407 एंड 2916 अप टू 709। दो अलग अलग ए पीज हैं और इनके जो कॉमन टर्म्स हैं उनको काउंट करके बताना है, कॉमन टर्म्स को आपको काउंट करके बताना है, ठीक है। एंड द ऑप्शंस वी हैव आर इन फ्रंट ऑफ यू, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। ऑलराइट, सो क्या है यहां पर, कैसे करेंगे, यहां पर क्या लॉजिक लगाएंगे। हमारे पास में जो सबसे पहला एपी है ना, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो हमारे पास में उसका कॉमन डिफरेंस नोटिस किया जाएगा कि
कि भाई ये तो आपका कॉमन डिफरेंस चार क्रिएट कर रहा है, चार चार के जंप के बाद आपको नया नंबर मिल रहा है। तो D1 जो पहला AP है उसका कॉमन डिफरेंस अगर मैं D1 बोल रहा हूं तो उसकी वैल्यू चार के बराबर है, D1 आपका चार के बराबर है, ठीक है। और जो सीक्वेंस है उसको भी हम थोड़ा सा यहां पर लिखते हैं। सीक्वेंस हमारा जो क्रिएट हो रहा है दैट एज 3 एज द फर्स्ट एलिमेंट, देन वी हैव 7, देन वी हैव 11। मेहनत कर रहा हूं मैं यहां पर थोड़ी सी, है ना, क्योंकि इसका रीजन है यहां पर एक्सप्लेनेशन करना करने के लिए मुझे कुछ आगे के नंबर्स भी चाहिए होंगे, ठीक है। आप भी यहां पर जो है आगे का सीक्वेंस थोड़ा सा लिख के देखो, ठीक है। मैं यहां पर जो है अगर इसके अंदर 4 ऐड कर रहा हूं तो यहां पर ये 15 आना चाहिए, फिर 19 आना चाहिए, है ना, फिर उसके बाद में और क्या होगा, 23 होगा, 27 होगा, 31 होगा, ओके 4 ऐड करेंगे 35 होगा, 39 होगा, a lot of numbers we are writing, and then we will also have 43, then we will have, यहाँ पे लिख लेते हैं 43 के बाद में हमारे पास में आएगा 47 के बाद में 51 के बाद में आएगा 55, और ये सीक्वेंस हमारा आगे तक चलते रहेगा, ठीक है। थोड़े हमने इस बार कुछ ज़्यादा ही नंबर्स लिख लिए, आपको लग रहा सर कुछ ज़्यादा ही मेहनत नहीं कर ली थी तो हमने आज तक नहीं लिखे नंबर्स, ठीक है, आज तक नहीं लिखे तो भी इस क्वेश्चन में लिखो, है ना, आज तक अगर आपने इतने सारे सीक्वेंस और नंबर अगर खुद से नहीं लिखे हैं तो भी इसमें लिखो, ठीक है। और ऐसे हम यहाँ पे अपने दूसरे सीक्वेंस को भी एनालाइज अगर करें तो यहाँ पर आप बेसिकली नोटिस करोगे कि आप 7 वैल्यूज ऐड करो, 2 के बाद में 9, 9 के बाद में 16, मतलब आपके यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए D2 सेकंड AP का कॉमन डिफरेंस आपका 7 के बराबर आया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से मैं बहुत सारी मेहनत करूंगा ताकि एक्सप्लेन करने में आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आए, ठीक है। ऑलराइट, सो 2 है, 9 है, 16 है, 16 के बाद में 23 आएगा, 23 के बाद में आपके उसमें 30 आएगा, 30 के बाद में 37 आएगा, 7 ऐड कर रहा है, राइट, ऑलराइट, 37 के बाद में आपके उसमें कितना आएगा, 44 आएगा, 44 के बाद में आपके उसमें 51 आएगा, राइट, एंड 51 के बाद में आपके उसमें 58 आएगा, और फिर इसको मैं अब आगे डॉट 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 कर रहा हूँ, ठीक है। ये सीक्वेंस हमारे आगे तक जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं उसका भी यहाँ पर हमें आइडिया है, ये केवल 407 पे जाके खत्म हो जा रहा है, एंड ये हमारा जा रहा है भाई 709 तक, ये बहुत आगे तक जा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है। हमें कॉमन टर्म्स निकाल के बताना है, कॉमन टर्म्स हमें यहां पे निकाल के बताना है, तो हम यहां पे कॉमन टर्म्स अगर ढूंढना स्टार्ट करें इतना हमें अभी जो है मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, हम यहां पर ढूंढना पड़ेंगे कि आपके कॉमन टर्म्स कौन कौन से हैं। तो आप यहां पर सबसे पहले अपना लक है ना चमकते हुए देखोगे जब आप 23 दोनों में देख पाओगे, 23 दोनों में आ गया यार, 23 इज अ कॉमन टर्म, इसको काउंट करना है हमें, वी हैव फाउंड अवर फर्स्ट कॉमन टर्म, इसके पहले कोई दूसरी कॉमन टर्म है क्या, 3 इसके अंदर नहीं है, 2 इसके अंदर नहीं है, 7 इसके अंदर नहीं है, 9 इसके अंदर नहीं है, 11 इसके अंदर नहीं है, 16 इसके अंदर नहीं है, ठीक है, उसके बाद 23 का ही नंबर आ गया, यस 23 उसके अंदर भी है, तो हमने इसको जो है मार्क कर लिया। अब यहाँ पे नोटिस करो कि आपको अगला वाला जो कॉमन टर्म मिल रहा है वो डायरेक्टली कौन सा है, 51 आपको यहाँ पर नेक्स्ट कॉमन टर्म मिल रहा है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर इतनी सारी मेहनत की नंबर्स लिखने की, ये इसलिए क्योंकि हम पहली बार एक आइडिया डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या है कि अगर हम यहाँ पे कॉमन टर्म्स ढूंढ रहे हैं दो अलग अलग APs के अंदर, तो वो कॉमन टर्म्स भी अपने आप में AP में होती हैं, कॉमन टर्म्स भी अपने आप में एक AP में होती हैं, लेकिन उस कॉमन टर्म का जो AP होता है, कॉमन टर्म का AP, कॉमन टर्म का AP जो होता है उसका कॉमन डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, उसका कॉमन डिफरेंस बेसिकली आपको मिलता है by taking LCM of the two common differences that we already have in the question, ठीक है। आप यहां पे एक बार नोटिस करो कि अगर आपके पास में पहला जो सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस 4 है, दूसरा जो सीरीज है उसका कॉमन डिफरेंस 7 है, तो आप यहां पे नोटिस करो कि 23 के बाद में 51 तक जाने के लिए आपको कितने कदम आगे बढ़ाने पड़े, आपको टोटल 28 स्टेप्स आगे जाने की जरूरत पड़ी होगी, आप एक बार करके देख लो, ठीक है। 23 में 28 ऐड करो आपको 51 मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि आपने बेसिकली किया क्या है, आपने 4 और 7 का LCM लिया है। ये वर्क क्यों कर रहा है, ये वर्क इसलिए कर रहा है कि क्योंकि जैसे ही आपने यहां पर जो है फर्स्ट टर्म कॉमन ढूंढ लिया, अब यहां पर आप नोटिस करो कि आप ऊपर वाले सीरीज में क्या कर रहे हो, आप ऊपर वाले सीरीज में कितना जंप कर रहे हो, कितने लेंथ का जंप कर रहे हो, आप चार चार लेंथ का जंप कर रहे हो, तो चार चार लेंथ के आपने कितने जंप कंप्लीट कर लिए, टोटल 7 जंप्स आपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आपने 7 जंप्स कंप्लीट किए, और यहां पर 7 लेंथ के आपने कितने जंप्स कंप्लीट किए, 1 2 3 और 4। LCM में यही तो फायदा होता है,
एलसीएम में हमें फायदा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम यहां पर एक कॉमन डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं बाय टेकिंग स्पेसिफिक नंबर ऑफ जंप्स, ठीक है। तो यहां पर आप छोटे छोटे जंप ले रहे हो तो आपको ज्यादा जंप लेने के बाद में एक कॉमन टर्म फिर से मिली, यहां पर आप बड़े बड़े जंप ले रहे हो तो छोटे जंप्स लेने के कम जंप्स लेने के बाद भी आपको अपने कॉमन टर्म तक पहुंचते आ रहा है, ठीक है। येलो पॉइंट समझ में आ गया सर बच्चों को? सो दिस इज इंपॉर्टेंट दैट वी हैव रिटन इन ब्लैक कि आपको यहां पे कॉमन टर्म्स का जो एपी मिल रहा है उसका कॉमन डिफरेंस बेसिकली आपका एलसीएम होता है ऑलरेडी अवेलेबल दोनों कॉमन डिफरेंस का, ठीक है। ऑलराइट, सो अब यहां पर मुझे करना क्या है, मुझे यहां पर अब जो है अपने नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स फाइंड करके बताना है। अब मुझे बताओ कि ये सीक्वेंस आपका केवल 407 तक ही जा रहा है, ये सीक्वेंस आपका 709 तक जा रहा है, तो भाई 407 के बाद में कोई कॉमन टर्म आ सकता है क्या? 407 के बाद में तो कोई कॉमन टर्म आ ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर तो टर्म्स खत्म हो गए 407 पे। अब इसके अंदर ये जो है आपके 500 वाले भी टर्म है, 600 वाले भी हैं और 700 वाले भी कुछ दो चार टर्म है इसके अंदर, है ना। तो ये तो सारे वेस्ट है, कॉमन में तो आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो यहां पे लिमिटिंग केस क्रिएट होगा वो 407 की मदद से ही क्रिएट होने वाला है, ठीक है। सो व्हाट आई वांट इज, आई वांट कि मेरा जो यहां पर एक नया सीक्वेंस बन रहा है कॉमन टर्म्स वाला भी मेरा जो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है जो 23 से स्टार्ट होगा फिर 51 पे जाएगा और ये 28 के जंप के साथ में आगे बढ़ते रहेगा। आपका यहां पर जो टर्म नंबर n क्रिएट होना चाहिए, आपको जो लास्ट टर्म क्रिएट होना चाहिए उसने क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए कि वो छोटा हो जाए 407 से, 407 से उसने छोटा हो जाना चाहिए। कॉमन टर्म का सीक्वेंस है वो अवेलेबल टर्म से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एग्जैक्टली 407 हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अदरवाइज 407 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। सो हम यहां पे इसलिए जो अपनी कंडीशन लगा रहे हैं वो क्या है कि हमारा जो इस सीक्वेंस का टीएन है वो छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 407 से। उतने एन में यहां पे ले सकता हूं, उतने नंबर ऑफ टर्म्स में यहां पे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि कॉमन होंगे, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ न्यू थॉट कि हम यहां पे इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपका जो टीएन का फॉर्मूला है वो क्या है, ए प्लस एन माइनस वन, एन तो हमें निकालना है, एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है भाई 28 है आपका, डी का वैल्यू 28। ये जो आपका पूरा प्रोसेस है ये 407 से कम होना चाहिए तो आप यहां पे एन का वैल्यू कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, 23 अगर आप यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे और 28 से डिवाइड करोगे तो एन माइनस वन बेसिकली लेस देन हो जाएगा कितने से, 23 सबट्रैक्ट करोगे तो यहां पे 4 आएगा और यहां पर आपके उसमें 38 आएगा, ठीक है। ऑलराइट, और अगर आप यहां पे 28 से डिवाइड कर रहे हो तो किससे कैंसिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है आपको, 4 से तो रू आउट कैंसिल हो ही जाएगा, 4 से कैंसिल करो, यहां पे 4 से कैंसिल करोगे तो नीचे तो 7 बचेगा और ऊपर कितना बचेगा 4 से कैंसिल करके, 4 9 टाइम्स जाएगा 36 एंड 4 6 टाइम्स जाएगा, 7 से एक बार कैंसिल करो यहां पे कितना हो रहा है, 7 से अगर आप यहां पे कैंसिलेशन करोगे 7 1 टाइम जाएगा एंड 2 मतलब ये 7 3 टाइम्स जाके 21 समथिंग समथिंग हो गया एंड देन समथिंग समथिंग हो रहा है, 13 पॉइंट समथिंग यहां पे आपका क्रिएट हो रहा है, 13 पॉइंट समथिंग आपके यहां पे क्रिएट हो रहा है। अगर आप यहां पे 1 को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो आपके उसमें एन की वैल्यू कम है 14 पॉइंट समथिंग से। आप यहां पे आपका जो टर्म नंबर है उसको अगर 14 से कम रखोगे, 14 पॉइंट समथिंग से कम रखोगे तो वो इस बात को एग्री करेगा कि वो 407 से कम है आप यहां पे। लेकिन अगर 15th टर्म काउंट करोगे इस सीक्वेंस का, इस सीक्वेंस का अगर आप 15th टर्म काउंट करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा 407 से, विच इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, 15th टर्म इज नॉट ए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इज ओनली एन शुड बी लेस देन 14 पॉइंट समथिंग, और एन क्या है आपका इंटीग्रल वैल्यू है, इसलिए हम यहां पे अल्टीमेटली एन कितना रिपोर्ट करेंगे, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 14। इस सीक्वेंस में हमारे पास में टोटल 14 टर्म्स हो सकते हैं और यही तो हमारे कॉमन टर्म्स का सीक्वेंस था, मतलब हमारे कॉमन टर्म्स कितने हो सकते हैं, मतलब हमारे कॉमन टर्म्स यहां पे 14 हो सकते हैं, बात पकड़ में आए सर बच्चों को, ठीक है। कॉमन सीक्वेंस, कॉमन आपके टर्म्स का सीक्वेंस का जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन टर्म्स के सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस होता है वो एलसीएम होता है ओरिजिनल कॉमन डिफरेंसेस का, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया सर बच्चों को? ऑलराइट, 13 भी तो हो सकता है, नहीं 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 13 क्यों होगा हमारा आंसर, वो पूछ रहा है कि कॉमन टर्म्स कितने हैं बताओ, तो ऐसे तो आप 1 भी आंसर दे दोगे फिर, कि एक टर्म कॉमन है, एक टर्म कॉमन थोड़ी, एक टर्म तो आपको दिख रही है दूसरी भी दिख रही है,
तो आप एक ही टर्म कॉमन ही आंसर थोड़ी दोगे, आपको यहां पर आंसर क्या देना है, कितनी टर्म्स यहां पे कॉमन है। तो जो भी आप मैक्सिमम यहां पे नंबर सोच सकते हो वो आपको आंसर में रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। आप यहां पे कॉमन टर्म्स के सीक्वेंस को 407 से कम रखना चाहते हो, क्योंकि उसके बाद में आपके कॉमन टर्म्स आने का चांस ही नहीं बनता, ठीक है। तो कॉमन टर्म्स की वैल्यू जो एंड हो रही है वो 407 से पहले ही एंड हो जानी चाहिए, ठीक है। सो व्हेन वी अप्लाई दिस कंडीशन, हमारे पास में एन जो है वो 14 पॉइंट समथिंग से छोटा निकल कर आता, ठीक है। ये जो 14 पॉइंट समथिंग वैल्यू आई है, अगर आप इसको फॉर्मूले में डाल पा रहे होते तो आपके इसमें एग्जैक्टली 407 बन रहा होता, लेकिन फॉर्मूले में हम यहाँ पे एन की जगह डेसिमल वैल्यू डाल ही नहीं सकते, तो हम यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू ही डालनी पड़ेगी। सो इंटीग्रल वैल्यू जो मैं डालूंगा तो ये 407 से कम होगा, विच इज अलाउड। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसमें 15 डाल दोगे तो फिर आपका आंसर आप कैलकुलेट करके देख लो चाहे 407 से बड़ा आएगा, ठीक है। तो विच इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो 14 इज द मैक्सिमम कॉमन टर्म्स दैट वी कैन गेट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। रेडी फॉर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, ओके। ऑलराइट, चलो। सो हम यहां पे अभी नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। नाउ द गुड थिंग इज कि आपका जो पूरा का पूरा 10वीं क्लास है वो इन्हीं दो फॉर्मूलेस के साथ में खत्म हो गया था, और ये हमारा आज का पहला लेक्चर है, ठीक है। अभी हम यहां पे कम से कम, नहीं तो 10 लेक्चर कम से कम करने पड़ेंगे, ज्यादा मुझे लगता है, हाँ 10 करने पड़ेंगे टू एक्चुअली कंप्लीट the discussion of arithmetic, sorry, to complete the discussion of sequences and series, ठीक है। So this is the only difference, आप यहाँ पर initial जो ideas हैं है ना वो पहले ही class में निपटा देते हो, जो हमने 10वीं class में पूरे साल भर पढ़े हैं, but nonetheless 10वीं class में उतना भी कर लिया उतना ही बहुत है ना। अभी हमारा level एकदम से change हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा with trigonometry, with quadratic equation, ठीक है। जो आपके पुराने topics थे वो भी यहाँ पर जो है थोड़े थोड़े अब जो है problematic हो रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये मेरे ख्याल से जो है आइडिया आप सबको ऑलरेडी पता है ना, तो जल्दी से उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेन आइडिया क्या है कि अगर आप सम निकालना चाहते हो और एन टर्म्स का अगर आप सम निकालना चाहते हो तो इट इज ऑलवेज गुड टू राइट इट एज एस एन, है ना। यहाँ पे सब्सिट्यूट क्या डिनोट करता है कि आप कितने टर्म्स का सम कर रहे हो। तो एस टू का मतलब हो जाएगा कि दो टर्म्स का सम कर रहे हो, एस थ्री का मतलब हो जाएगा तीन टर्म्स का सम कर रहे हो, एस एन का मतलब हो जाएगा कि आप एन टर्म्स का सम कर रहे हो। तो हमारे पास में एन टर्म्स कौन कौन सी हैं, टर्म नंबर वन हमारे पास में ए होता है, टर्म नंबर टू हमारे पास में ए प्लस डी होता है, टर्म नंबर थ्री हमारे पास में ए प्लस टू डी होता है, और ऐसा करते करते हम अगर nth टर्म तक ऐड करना चाहते हैं तो डॉट 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 करके मैं यहां पे ए प्लस एन माइनस वन डी लिख सकता हूं। नाउ टू गेट टू द फॉर्मूला वी हैव टू यूज अ वेरी बेसिक आइडिया विच इज कि अगर मैं टर्म्स का सम पीछे से करूं या आगे से करूं सम तो सेम आएगा ना, ये मेन आइडिया बस इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं यहां पर a a प्लस डी ए प्लस टू डी ऐसा लिखूं या फिर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ऐसा उल्टा लिखूं तो क्या फर्क पड़ रहा है, सम का आंसर तो हमारा सेम आना चाहिए। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख दो यहां पर, है ना। उसके बाद में इसके पहले क्या होगा, एक एक आपका d कम होता है इस साइड आते तो d कम हो रहा है, ठीक है। तो इसके नीचे करस्पॉन्डिंग टर्म आपका जो आएगा वो a प्लस एन माइनस टू इंटू डी आएगा, और ऐसा करते करते आप फिर से अगर लास्ट टर्म लिखना चाहोगे तो इस बार जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट के साथ में कंबाइन होगा। एंड नाउ वी कैन एड दीज टू इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशन हमारे करेक्ट हैं। अगर मुझे सम करना है तो मैं आगे से पीछे तक जा सकता हूँ या फिर मैं पीछे से आगे तक आ सकता हूँ, ठीक है। डजंट मैटर, सम का आंसर हमारा सेम आएगा, इसलिए हमने दोनों साइड एस एन ही लिखा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे पास में टू टाइम्स ऑफ एस एन आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में और भी अमेजिंग चीज आपको देखने के लिए मिलेगी कि अगर आप यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करो तो यहां पर आपको मिला है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एंड इंटरेस्टिंगली अगर आप यहां पे करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करोगे तो यहां पर भी आपको कितना मिलेगा, 2a प्लस यहां पर एक डी एक्स्ट्रा आ गया, तो एन माइनस टू में एक ऐड कर दोगे, एन माइनस टू में एक ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा। और वैसे ही आप यहां पे आखिरी तक अगर जाओगे तो आपको हर बार क्या देखने के लिए मिलेगा कि आपके करस्पॉन्डिंग टर्म्स का एडिशन हमेशा ही कितना आता है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आता है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास में अभी यहां पे n टर्म्स लिखे हुए थे, मेरे पास में n टर्म्स लिखे हुए थे तो ये करस्पॉन्डिंग एडिशंस वाले ब्रैकेट्स भी कितने क्रिएट हुए हैं, n ब्रैकेट्स मेरे पास में क्रिएट हुए हैं, लेकिन हर ब्रैकेट का वैल्यू सेम है। हर ब्रैकेट का अगर वैल्यू सेम है और मुझे पता है कि ऐसे n ब्रैकेट से, देन आई कैन कंप्रेस दिस इंटू अ सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लाइक दिस, n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड इफ आई डिवाइड बाई टू आई विल गेट द फॉर्मूला जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा सारे 11वीं के बच्चों को, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू
2a plus n minus 1 into d. इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी है, इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी है जहां पर आप क्या बोलते हो कि ये तो फॉर्मूला आपका अंदर जो आ रहा है काफी देखा हुआ सा है, आप ऐसा जो 2a है ना इसको a plus n minus 1 into d लिखो और अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। ये तो आपका क्या है, ये तो आपका tn का फॉर्मूला है, ये आपके tn का फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप n टर्म्स तक ही जा रहे हो तो tn जो है वो आपका लास्ट टर्म हो गया ना, ये जो a plus n minus 1 into d है ये आपका लास्ट टर्म बन जाएगा क्योंकि हम n टर्म्स तक ही जा रहे हैं। तो आपका nth टर्म को हम यहां पे कंप्रेस करके लिखते कैसे हैं, हम इसको लिखते हैं l के साथ में, वेयर l इज द लास्ट टर्म, ठीक है, एंड वी हैव टू रिमेंबर बोथ ऑफ दीज फॉर्मूलेस, जरूरत पड़ने पर हम दोनों में से किसी भी एक वर्जन का इस्तेमाल कर लेंगे। n by 2 into 2a plus n minus 1 into d and sn is equal to n by 2 into a plus n, first term plus last term, क्लियर है सारे बच्चों? यस, इतना थ्योरी याद आ गया, ऑलराइट, बहुत बढ़िया। तो हम यहां पे इसका मतलब जैसे कि इसके पहले भी हमने किया, सवाल पे डायरेक्टली जंप कर जाएं, फॉर्मूला लिख लो जल्दी से सारे बच्चे, पता हो नहीं पता हो ऑलरेडी याद है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, नोटबुक में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ओके। Alright, so first question is again on your screen for sum of terms का discussion. Sum of all the two digit numbers which when divided by 4 yield unity as the remainder. फिर से conceptually ये हमने discussion पहले किया हुआ है, लेकिन अब यहां पे number of terms पूछने की जगह उसने sum पूछ लिया, बस इतना ही difference है। Try करें सर बच्चे, फट से solve करो इसको। ये आपका A option है, ये आपका B option है, ये आपका C option है, ये आपका D option है। Alright, the sum of the two digit numbers which when divided by 4 yield unity as remainder. आप यहां पे सबसे पहला टू डिजिट नंबर ऐसा कौन सा ढूंढ पा रहे हो जिसको आप 14 से डिवाइड करते हो तो यूनिटी मतलब क्या है, 1, यूनिटी मतलब क्या है, 1 आपको रिमाइंडर मिले, कौन सा है वो सबसे पहला टू डिजिट नंबर, 13 है ना, 13 को अगर आप डिवाइड करते हो 4 से तो आपको 1 रिमाइंडर मिलता है। उसके पहले आपके जो वैल्यू था वो 9 था, लेकिन 9 हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि हमें टू डिजिट नंबर का डिस्कशन करना है, ठीक है। सो हमारा जो यहां पे सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है वो 13 से स्टार्ट होगा और अब हम यहां पे बेसिकली 4 ऐड करते जा रहे हैं, जैसे कि 17 है तो ये 16 प्लस 1 है, 16 जो डिविजिबल है प्लस 1 कर दोगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, देन अगेन यू विल हैव 21 है ना, और ऐसा करते करते आपको कहां तक जाना है, आपको 99 के पहले ही रुक जाना है, तो 99 के पहले आपके पास में 96 जो है वो कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, तो एक कदम आगे चले जाओगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा, ठीक है। सो योर स्टोरी शुड एंड एट 97, गली बात समझ में आ रही, योर स्टोरी स्टार्ट्स एट 13 एंड एंड्स एट 97 एंड द कॉमन डिफरेंस दैट यू हैव इन बिटवीन इज 4 ऑब्वियसली, अगर आपको 13 पे ऑलरेडी जो है कंडीशन सेटिस्फाई होते हुए मिल रही है, अगली बार आपको कंडीशन सेटिस्फाई होते हुए 4 कदम बाद मिलेगी, फिर 4 कदम बाद मिलेगी और एंड करोगे आप कहां पे, एंड करोगे आप यहां पे 97 पे, ठीक है। सो आई गेस यहां पे सबसे पहला काम हमने फिर से यही करना चाहिए, मैं अगर यहां पे सम फाइंड करना चाहता हूं तो मेरे पास में क्या क्या होना चाहिए, मेरे पास में n, a और d ये चीजें होना चाहिए। आई ऑलरेडी नो कि यहां पर इसका a का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है बच्चों, a का वैल्यू आपके पास में 13 के बराबर है, d का वैल्यू कितना है तो आपका 4 के बराबर है, लेकिन मुझे n नहीं पता कि यहां से लेके वहां तक कितने टर्म्स कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहां पे फिर से tn वाला आइडिया इस्तेमाल कर लेते हैं, tn का वैल्यू अगर आपका 97 है, सो tn एक्चुअली होता कितना है, tn आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जिसका वैल्यू अभी यहां पे 97 है हमें पता है, तो जल्दी से सॉल्व करो, देखो कि आपके नंबर ऑफ टर्म्स कितने क्रिएट होते हैं, अगर आप यहां पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको n माइनस 1 का वैल्यू मिलेगा कितना, 97 में से ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 4 और 4 से डिवाइड करो तो आपको यहां पे 21 मिलेगा, 21 मिलेगा, 21 ऑन 1 आपको यहां पे 22 मिलेगा, ठीक है, चेक इट आउट एवरीवन, 22 यहां से लेके वहां तक आपके कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, 22 टर्म्स आपके यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है, बढ़िया। अब आपके पास में सारी चीजें, आपके पास में a का वैल्यू है, आपके पास में d का वैल्यू है एंड यू ऑल्सो हैव n का वैल्यू, ठीक है। आप यहां पे लेकिन फॉर्मूला कौन सा वाला इस्तेमाल करना प्रीफर करोगे, मॉडिफाइड वर्जन यहां पे इस्तेमाल करना ज्यादा प्रीफर करोगे, क्योंकि यहां पर d और n का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने से आपको लास्ट टर्म ऑलरेडी पता है तो उसको हम यहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो n बाई टू, देयरफॉर सम sn इज इक्वल टू n बाई टू
n by 2 इंटू ए प्लस एल, ए क्या है 13 और एल क्या है लास्ट टर्म इसका 97, इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म है, ठीक है। सो 11 into 110 becomes our final answer, which is basically 1210, है ना। सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर निकल कर आया है। बहुत ही सिमिलर से सवाल है यहां पर, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि भाई सम अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या है और फॉर्मूला में कौन कौन से आपको यहां पर कंपोनेंट्स लगते हैं। तो ए डी और हम यहां पे एन की जरूरत तो हमेशा ही पड़ती है, एन तो होना ही चाहिए आपके पास में, क्योंकि यहां पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एन तो आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। ऑल राइट, बहुत बढ़िया, अगला सवाल करो। दिस इज अगेन एन इंटरेस्टिंग वन, ट्राई करें सारे बच्चे और बताएं कि यहां पर क्या आंसर आना चाहिए। ए बी सी एंड डी में से कौन सा आंसर यहां पर आपका करेक्ट होना चाहिए, जल्दी से बताएं सारे बच्चे। SN denotes the sum of the first n terms of an AP. हाँ ये तो हमें पता ही, ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड बात है, ठीक है। Alright, SN denotes the sum of first n terms of an AP. If S2N is equal to 3 times of SN, then आपको फिर से एक रेशियो फाइंड करके बताना है S2N is to SN कितना होना चाहिए। It is all about writing down the things and creating equations, ठीक है। अगर आप यहां पे equation अच्छी तरीके से बना लोगे तो आपको आंसर भी निकालते आ जाएंगे। ऑब्वियसली हमने क्या मान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि यहां पर जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ठीक है। अगर मैं ऐसा मानता हूं तो मुझे अब यहां पर बताओ कि एस टू एन इज इक्वल टू 3SN में क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। एस एन में तो कोई दिक्कत नहीं है, एस एन में हम यहां पर अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन एस टू एन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जहां पर भी हमें एन लिखने की आदत है एक्चुअल फॉर्मे के अंदर, वहां पर मैंने टू एन लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एस टेन फाइंड करके बताओ, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करके बताओ, या फिर इसके पहले हमने यहां पर किया था कि फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करके बताओ, यहां पर भी एन की जगह एक्चुअली 22 लिखना चाहिए मैंने, ठीक है। ये क्योंकि फर्स्ट 22 टर्म्स का सम है, समझ रहे हो इस बात को, ये फर्स्ट 22 टर्म्स का सम है, ठीक है। सो हमने यहां पे n की वैल्यू 22 डाली थी फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। अगर आप यहां पे अब अगर 2n टर्म्स का सम चाहते हो तो आपने n की जगह 2n डालना चाहिए, ये सुनो, ठीक है। और अगर आप यहां पे 2n डालोगे तो आपका फॉर्मूला कैसे दिखाई देगा, n by 2 की जगह 2n by 2 into 2a plus n minus 1 की जगह 2n minus 1 into d, बाकी चीजें चेंज नहीं हो रही है, आप यहां पे केवल n के एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है। ऑलराइट, और राइट हैंड साइड में तो मेरे ख्याल से बच्चे काफी कंफर्टेबल होंगे, यहां पर आपको 3 टाइम्स ऑफ क्या लिखना है, एस एन लिखना है। एस एन कितना है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट, एन माइनस वन इंटू डी। ऑलराइट, सो हम यहां पे कैंसिलेशन वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। वन कैंसिलेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एन बाई टू यहां से गया, एन बाई टू यहां से गया, ठीक है। दोनों साइड से n by 2 अगर गया है तो आप यहां पे 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो और देखो कि a और d यहां पर क्या इक्वेशन जनरेट करके आपको दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पर आपके इसमें आएगा 4a plus 4nd, है ना, ध्यान से मल्टीप्लाई करना, 2 भी मल्टीप्लाई करना है, d भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड माइनस 2d इज इक्वल टू, राइट साइड की कहानी क्या है, यहां पर आपके इसमें आ रहा है 6a plus 3nd minus 3d। अब एक जैसे जो दिखने वाले टर्म्स हैं उनको हम कंबाइन करेंगे, ऑब्वियसली बचपन से करते आए हैं, है ना। तो यहां पर 6a और 4a अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना बचेगा, 2a बचेगा, और 4nd उस तरफ जाएगा तो माइनस nd बचेगा, ऑल राइट, माइनस साइन आएगा। और d की क्या कहानी है, अगर 2d उस तरफ जाएगा तो आपका उसमें माइनस d बचेगा, ये हमारे पास में इक्वेशन आ रही है। एक और अच्छा काम हम यहां पे कर सकते हैं कि nd को राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं, ठीक है। सो nd को अगर मैं यहां पे राइट हैंड साइड में भेजूंगा तो मेरे पास में अल्टीमेटली ऐसा कुछ बचेगा, ठीक है, कि 2a माइनस d इंपॉर्टेंट है, 2a माइनस d का वैल्यू हमारे पास में कितना आता है, nd के बराबर निकल कर आता है फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। इस कंडीशन का सिंप्लीफाइड वर्जन है ये इक्वेशन 1, 2a माइनस d इज इक्वल टू nd। अब मुझे यहां पर जो रेशियो निकालना है उसको लिख के देख लेता हूं कि भाई वो अब करवाना क्या चाह रहा है आपसे। नाउ ही वॉन्ट्स टू नो कि s3n अपॉन sn कितना होगा, सिंपल। s3n लिखने के लिए फिर से यहां पर मैं ध्यान रखूंगा कि मुझे n की जगह सब जगह 3n लिखना है, बाकी कोई फॉर्मूला यहां पर चेंज वैसे आपको करना है नहीं, ठीक है। तो आपका एक्सप्रेशन ऐसे कुछ बनना चाहिए, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d की जगह 3n by 2 into 2a plus 3n minus 1 into d,
और नीचे हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, तो आ जाएगा आपके पास में एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहां पर देखो आपको कितना बेनिफिट हो रहा है इसके पहले वाली इक्वेशन को अच्छी तरीके से लिख के। पहली बात तो रेशियो निकाल रहे हैं तो ये दोनों तो आपके कैंसिल होना तय है, लेकिन अब यहां पर देखो अंदर क्या हो रहा है। यहां पर अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे पास में 2a माइनस डी क्रिएट होगा, ये सोलो 2a माइनस डी, और उसके साथ में आप यहां पे d फर्दर अगर ओपन करोगे तो आपको 3nd भी मिलेगा। लेकिन 2a माइनस डी इज ए गुड वैल्यू ना, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हमारी जानकारी के हिसाब से, ठीक है 2a माइनस डी, और यही वैल्यू आपको नीचे भी देखने के लिए मिल रही है। जल्दी से नोट करें सर बच्चे, 2a यहां पे अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2a माइनस डी आपको यहां भी मिला और फर्दर आपको यहां पर क्या मिला, एन डी मिला, ठीक है हो गया ना सॉल्व। 2a माइनस डी का वैल्यू हम कितना रिप्लेस कर सकते हैं एज पर द क्वेश्चन, है ना, कंडीशन जो हमने जनरेट करी वो क्वेश्चन को सॉल्व करके ही करिए, ठीक है, एन डी से आप यहां पे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन वन, यूजिंग इक्वेशन वन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, हम यहां पे लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ एन डी प्लस 3nd, और नीचे भी सेम चीज एन डी प्लस एन डी, ठीक है, तो ऊपर आ गए आपके 4nd, नीचे आ गए हमारे पास में 2nd, कैंसिल होकर बचेगा हमारे पास में 2, 1, 3 अलग से लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर आएगा 6, 6 हमारा जो आंसर आया वो कहां लिखा है, वो बी ऑप्शन में लिखा है, ठीक है क्लियर हो गया। हाँ जी आप कल करें ओके हाँ यहां पे फट से एक सवाल और हो जाए, एक सवाल और बनता है यहां पे, अभी हमने यहां पर सम का डिस्कशन जस्ट स्टार्ट ही किया है, ठीक है, तो एक सवाल तो और डेफिनेटली बनता ही बनता है, ठीक है, सो अभी यहां पर जो है थोड़ी सी नींद आपको और कुर्बान करनी पड़ रही है, लेकिन लेट्स डू दिस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बट अगेन एन इंटरेस्टिंग वन, ठीक है, पढ़ो एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन क्या है। ऑलराइट ट्राई इट आउट, काफी अलग सवाल है ये, वैसे अगर किसी ने किया हुआ होगा तो काफी उसको जो है एक यूजुअल वाली फील आ रही होगी, लेकिन इट इज स्टिल एन अनयूजुअल क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपने पहले इसको सॉल्व नहीं किया है तो देखना सारे बच्चे, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो दिस देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स, कुछ फील आ रहा है? यस अभी स्टार्ट करने से 2022 हो सकता है, ओके हाँ बिल्कुल हो सकता है, फ्री कोचिंग कराओ, हाँ दलपत मेन आइडिया हमारा यही बेटा, हाँ के साथ में यहाँ पर जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें आपको कौन यहाँ पे बोल रहा है कुछ देने के लिए, है ना, बिल्कुल हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस पढ़ाई करते रहो, ठीक है दलपत, बिल्कुल फ्री की कोचिंग है बेटा, है ना, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की मदद कर पा रहे हैं, अगर हम ऑफलाइन में आके अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, है ना, हम यहाँ पे अभी जो है एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में जहाँ पर है उतने ही बच्चों की हेल्प कर पाएंगे, अभी ऑनलाइन आने से फायदा क्या हो रहा है, वी आर एबल टू हेल्प सो मेनी स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर इतने बच्चे हमारे क्लास में कहाँ बैठेंगे बताओ, है ना, इतने बच्चे थोड़ी बैठ सकते हैं, ठीक है, सो वॉट इज गोइंग ऑन हियर इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्पेशली इन कमिंग डेज, ठीक है, स्पेशली इन कमिंग डेज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो है ऑनलाइन ज़्यादा प्रीफर करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। ओके ड्रॉपर्स के लिए स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, ओके गुड क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर सच क्वेश्चंस, है ना, मे बी टुवर्ड्स द एंड, अभी इस सवाल को आंसर कर लेते हैं, इफ द सम ऑफ द एंड टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो दिस एंड दैट, तो यहां पर आपको पहली बात तो दो एपीज हैं, कुछ नहीं पता आपको, आप यहां पर मान लो कि यार एपी वन जो है ना, जो आपकी फर्स्ट एपी है ना, एपी वन भी लिखने से अच्छा क्या है फर्स्ट एपी, ऐसा लिखते हैं फर्स्ट एपी, उसके कुछ एलिमेंट्स हम मान लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट एपी को अगर मैं यहां पे जो है रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मान लेते हैं कि उसका फर्स्ट टर्म ए वन है, उसका कॉमन डिफरेंस डी वन है, और उसके सम को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं उसको एस एन वन ऐसा रिप्रेजेंट करूंगा, है ना, केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं इसके अंदर, एस एन ब्रैकेट में वन, और सेकेंड एपी जो है, अगर मैं सेकेंड एपी को यहां पर डिनोट करना चाह रहा हूं तो मैं उसको ए टू डी टू और एस एन टू की मदद से लिखूंगा, ठीक है, सो ये हमने पहले डिफाइन कर दिया, अब यहां पर देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम ऑफ द टू एपीज आर इन द रेशियो दिस, मतलब आपको यहां पर रेशियो दिया हुआ है एस एन वन अपॉन एस एन टू, पहली बात तो ये,
वो रेशो कितना दिया है वो बात की बात है, लेकिन अगर आप यहां पे इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके अपने एक्सप्रेशंस क्रिएट करना चाह रहे हो तो क्या आप क्रिएट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस एपी कितना हो जाएगा? एन बाय टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन। और वैसे ही आप अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, है ना, एस एन टू का एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो, तो आप यहां पे ए टू डी टू का यूज करोगे, एन बाय टू इंटू, लेकिन क्योंकि दोनों ही एन टर्म्स की बात कर रहे हैं ना, ओके, जस्ट अ मिनट, कुछ तो यहाँ पे अपडेट के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आई होप यहाँ पे एकदम से रीस्टार्ट ना हो जाए चीज़ें, ओके, प्रेसिंग ओके विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन, नो नो आई डोंट वांट टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन, कैंसिल करने का ऑप्शन है क्या? हाँ है, ओके, चलो एक मिनट रुको, वापस आते हैं अपने डिस्कशन के ऊपर। आई होप सारे बच्चे यहाँ पर मुझे अच्छे तरीके से देख पा रहे थे। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर हमारे पास में नीचे क्या बनेगा? यहां पर हमारे पास में बनेगा 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू, ओहो नीचे a2 आएगा ना, 2a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2, राइट? क्योंकि हम n टर्म्स का ही डिस्कशन कर रहे थे, इसलिए n आपको यहां पर कॉमन वैल्यू जरूर मिल रही है जिसको आप यहां पर कैंसिल आउट करवा सकते हो, ठीक है। बट द गुड थिंग इज कि ये जो आपका रेशो है इसका एक्सप्रेशन उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसने बोला है कि SN1 अपॉन SN2 का जो वैल्यू है वो कितना है? वो है 3N प्लस 8 अपॉन 7N प्लस 15 के बराबर। अमेजिंग, कुछ तो यहां पे दिया हुआ है, इसने N के टर्म्स में दिया हुआ है, इसने N के टर्म्स में हमें यहां पे एक वैल्यू दी हुई है इस रेशो की। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि हम यहां पे N का इस इक्वालिटी में वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। आप यहां पे n का वैल्यू 2, 3, 4, 1, 10 कुछ भी डालो, आप यहां पे n का वैल्यू कुछ भी डालो, ये इक्वेशन सही है, ऐसा ये कहना चाहता है क्वेश्चन? ये कहना चाहता है कि अगर आपने sn1 अपॉन sn2 किया है, फर्स्ट वाली एपी के n टर्म्स का सम अपॉन सेकंड वाली एपी के n टर्म्स का सम, अगर आपने रेशो निकाला है तो हमेशा इसके बराबर आएगा विदाउट फेल। अगर हमारे पास में ये इंफॉर्मेशन है तो हम यहां पे इसको यूज कैसे करें टू एक्चुअली फाइंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? हमें यहां पे अगर 12th टर्म का रेशो फाइंड करना है, देन लेट अस थिंक अबाउट कि चाहता क्या है वो। नाउ व्हाट वी वांट इज टर्म नंबर 12 फ्रॉम द फर्स्ट एपी अपॉन टर्म नंबर 12 फ्रॉम द सेकेंड एपी का रेशो कितना होगा? ये सवाल है हमारा, ये सवाल है हमारा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार लिख के देखता हूं कि ये बनेगा क्या। तो ऑब्वियसली यहां पर आपके इसमें ए वन प्लस 11 डी वन बनेगा, और यहां पर हमारे पास में ए टू प्लस 11 डी टू बनेगा। हमें ये निकालना है, दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू फाइंड, वी शुड हैव दिस इन माइंड कि हमें निकालना क्या है। तो हम यहां पे कुछ कुछ चीजें चमकेंगी, नहीं तो नहीं चमकेंगी, ठीक है। अच्छा, हम यहां पे वापस आते हैं, हमारे पास में एक यूनिवर्सल इक्वेशन जो यहां पे क्रिएट हो चुकी है, जो हम यहां पे किसी भी एन के लिए ट्रू है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे कुछ डिकोड कर सकते हैं, अगर हम इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो, ठीक है। अगर मैं 2 से यहां पे डिवीजन करवा दूं तो मेरे पास में क्या बनेगा, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 1 मैं यहां पर बोल सकता हूं कि अगर मैं ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करूं तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पे अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहां पर a1 आएगा, उसके साथ में आपके उसमें n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d1 आएगा। अगर मैं नीचे भी 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास में a2 आएगा, और उसके साथ में n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d2 आएगा। और अभी भी ये वैल्यू उसी रेशियो के बराबर है, क्योंकि यहां पर मैंने चेंजेस किए, वहां पर तो कुछ चेंजेस किए ही नहीं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। क्या आप अब ये नोटिस कर सकते हो कि आपको जो चाहिए और आपको जो दिया हुआ है उसमें काफी कुछ सिमिलैरिटी है? क्या आप यहां पर नोटिस कर सकते हो कि आप क्या चाह रहे हो n की वैल्यू? आपको जो एक्सप्रेशन चाहिए उसके अंदर 11 इस्तेमाल हो रहा है, आपके उसमें जो अभी यहां पे इक्वेशन उसके अंदर n माइनस 1 अपॉन 2 दिया हुआ है। तो क्या यहां से मैं कंक्लूड करूं कि मैंने n का वैल्यू 23 ले लेना चाहिए? अगर मैं इस गिवन इक्वेशन में, जो करेक्ट इक्वेशन है हमारे लिए, इस इक्वेशन में अगर मैं 23 सब्सटीट्यूट करूंगा, क्योंकि यहां पर मैं n की वैल्यू कोई भी सब्सटीट्यूट कर सकता था, ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है, क्योंकि SN1 अपॉन SN2 का जो यहां पर एक्सप्रेशन है ये हमेशा ही इस रेशो को जनरेट करता है, ये गिवन है फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। तो आप यहां पे n1 भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, सब अपनी मर्जी से डाल सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि n = 23 डाल सकते हो क्या? हां,
डाल तो सकता हूं, लेकिन यही वैल्यू क्यों सोची मैंने, क्योंकि जब मैं यहां पे 23 डालूंगा तो 23 माइनस 1 22 अपॉन 2 करके 11 बनेगा और मुझे एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन क्रिएट करवाना था। ठीक है, सो यहां पे थोड़ा सा हमने जो है अपना पहले दिमाग लगाया। यहां पर ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करते जा रहे हैं और हमारा आंसर आ गया, यहां पर हम कैलकुलेशन कम से कम कर रहे हैं लेकिन दिमाग ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हैं कि यहां पर एक्चुअली कौन सा वैल्यू हमने इस्तेमाल करना चाहिए, क्या पूछा है, क्या दिया है। ठीक है, जैसे आप यहां पे 23 दोनों साइड सब्स्टिट्यूट करोगे क्या आपका आंसर आ जाएगा, ऑब्वियसली आपके यहां पे आंसर आ जाएगा, दोनों साइड आपको यहां पे 23 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, इंप्लाइज आपका आंसर जनरेट होगा यहां पर कितना, a1 प्लस 11 d1 अपॉन a2 प्लस 11 d2, 23 डाला है मैंने इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में 23 डाला है तो हमारे पास में राइट हैंड साइड में 23 डाल के कितना आ जाएगा, 3 × 23 प्लस 8 और नीचे कितना है, नीचे हमारे पास में 7 × 23 एंड प्लस आ जाएगा 15। ठीक है, फट से इसको कैलकुलेट करो, आंसर बताओ कौन सा यहां पर आपका मैच कर रहा है। कैन आई सॉल्व सिंगेज इन वन ईयर, डिपेंड्स, आपको वैसे तो दो साल में सॉल्व करनी चाहिए, बहुत सारे बच्चों से दो साल में भी नहीं होती है। ठीक है, यहां पर आपकी जो रेफरेंस बुक्स है वो आपको पूरी सॉल्व नहीं करनी होती है, पता है ना आपको, वो रेफरेंस बुक्स है, वो आपकी टेक्स्ट बुक नहीं है, वो आपकी रेफरेंस बुक है। ठीक है, रेफरेंस बुक में कभी कभी एक्स्ट्रा भी चीजें दी हुई होती हैं, आपको ये भी पता करते आना चाहिए कौन सी चीजें छोड़नी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहां पर आके बोलते सर आपने वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया, वो तो ऐसे लोनी में दिया है, मैं क्या करूं ऐसे लोन में दिए, ऐसे लोन में तो और भी बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, लेकिन वो जेई के सिलेबस में नहीं है ना, तो हम यहां पर अगर स्पेसिफिकली जेई की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उन सभी चीजों को भी है ना छाटते आना चाहिए जो हमारा अननेसेसरी समय लेने वाला है। ठीक है, सो आप यहां पर पहली बात तो ये भी दिमाग में डालो कि आपको रेफरेंस बुक में अगर हर कोई टॉपिक करना है तो ऐसा जरूरी नहीं होता। बहुत बार बहुत सारे बच्चे यहां पर कैलकुलस पढ़ते समय ऐसे ऐसे जो है चीजें पढ़ते हैं जो जरूरी नहीं होती है। ठीक है, वो अगर स्किप कर दोगे तो भी आपके नंबर पक्का है कि नहीं कटेंगे, क्योंकि आने नहीं वाला उसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन तब भी बुक में दी हुई तो टीचर भी पढ़ा देते हैं, है ना, क्योंकि बच्चों का ये कौन झेलेगा कि सर आपने पढ़ाया नहीं इसलिए पढ़ा दो। ठीक है, और बच्चे भी पढ़ लेते हैं ये सोच के कि यार रेफरेंस बुक में दिया तो इंपॉर्टेंट होगा। आपको यहाँ पर कोई सा भी रेफरेंस बुक पूरा नहीं करना है, लेकिन आप ये देखो कि आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं है ना वो आपको क्या नए क्वेश्चन में भी अप्लाई करते आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एडवांस अगर आपका टारगेट तो आपको तो नए क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। जेई मेन तो बहुत ही आपका बेसिक लेवल का होता है, जो भी यहां पर सीरियसली सारे लेक्चर्स देख लेगा ना और रेगुलर रहेगा उसके लिए जेई मेन मतलब बहुत आसान काम है। लेकिन एडवांस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर जो है एप्लीकेशन वाला अपना दिमाग जो है और डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, कंसेप्ट नए नहीं मिलेंगे लेकिन क्वेश्चन नए मिलेंगे फॉर श्योर। ठीक है, तो आपको वहां पर भी कुछ ना कुछ जो है अपना है ना एप्लीकेशन वाला माइंड इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और वो क्या यहां पर कोई भी एक रेफरेंस बुक पूरा सॉल्व करने से गारंटी मिलती है कि हो जाएगा, नहीं है ना, वी हैव इनफाइनाइट क्वेश्चंस। आप अगर कोई भी एक रेफरेंस बुक कंप्लीट कर लोगे, मैं दूसरी रेफरेंस बुक ला के देखूंगा कि देखो आपने ये नहीं किया, फिर आप टेंशन में कि मैंने रेफरेंस बुक नहीं करी ये वाली तो मेरे नहीं होगा जेई में। ठीक है, अगर आप हमेशा अपनी जेई की प्रिपरेशन का कंप्लीशन किसी एक रेफरेंस बुक के सारे क्वेश्चंस करने को के साथ में बेसिकली अलाइन करके जो है उसको लगाते हो कि भाई रेफरेंस बुक कंप्लीट हो गई तभी मेरा यहाँ पर प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ है, तो भाई आपसे ज़्यादा प्रेशर में कोई नहीं रहेगा, आप इतना प्रेशर नहीं ले सकते हो कि आप रेफरेंस बुक का हर एक क्वेश्चन करोगे। लेकिन आपके दिमाग में अगर ये नेगेटिविटी है कि भाई रेफरेंस बुक के मेरे जो है अगर 10 सवाल नहीं हुए मतलब मेरा वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे वो टॉपिक वीक है, तो नेगेटिविटी आपको जरूर खा जाएगी। ठीक है, वो नेगेटिविटी आपको बेसिकली जो है एग्जाम में भी जो है एकदम से कॉन्फिडेंस के साथ में जाने नहीं देगी, भले ही आपको सब कुछ आता है, आपको लगेगा कि लेकिन नहीं आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं। ठीक है, सो डोंट बी दैट स्टूडेंट, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, और अगर आप यहां पर कोई भी एक नए सवाल को सोच पा रहे हो तो मतलब आप यहां पर रेडी हो। ठीक है, यहां पर और ज्यादा रेडी कैसे हो सकते हो, विथ प्रैक्टिस आपकी स्पीड और एक्यूरेसी डेफिनेटली यहां पे बढ़ाने के लिए आपने प्रैक्टिस करना चाहिए, उसमें कोई मना ही नहीं है। ठीक है, बट देर हैज टू बी सम लिमिट एंड दैट इज डेफिनेटली नॉट सॉल्विंग द एंटायर बुक। ठीक है, जैसे यहां पर एक बच्चा पूछ रहा है ना कि सर मैं सिंगेज एक साल में सॉल्व कर सकता हूं क्या, हाँ कर सकते हो, है ना। पहली बात तो ये कि आप अगर डबल टाइम स्पेंड करोगे तो ऑब्वियसली किसी बच्चे ने दो साल में करी तो आप एक साल में कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन वो भी नहीं करोगे तो भी आपका जेई में हो सकता है, ये बात आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, वो पूरी अगर सॉल्व नहीं भी होगी तो भी आपका जेई में सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट, अब यहां पर जल्दी से कैलकुलेशन करके आंसर बता दिया जाए, हमारे पास में यहां पर कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हमारे पास में 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नीचे हमारे पास में यहां पर कितना होगा, ये 21 होगा एंड 14 15 16 एंड 15, तो यहां पर बन रहा है हमारे पास में कितना, ये हो जाएगा 77, नीचे आ जाएगा हमारे पास में कितना 7, ओके 7 के बाद में हमारे पास में 7 फिर से, ओके नहीं 6 और 7, ओके गॉट इट,
ओके ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा पहले 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 1, ठीक है। इसको एक बार कैंसिल करके देख लो, कैंसिलेशन से अगर फायदा हो गया तो मज़ा आ जाए, ठीक है। कैंसिलेशन से फायदा हो जाएगा, आई गेस यहाँ पर आप जो है 11 से अगर कैंसिल करोगे तो 7/, आई गेस आपके पास में यहाँ पे 16 आंसर क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। 7/16 है हमारे पास में, ऑलराइट, बी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ग्रेट। तो इसी के साथ में मेरे ख्याल से आज तो जो है आपको ओवरडोज मैंने करवा दिया है ना, यहाँ पे 11:10 हो गई हैं, सो सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो ये वाला सवाल आप होमवर्क में ले जाएं सारे बच्चे, ठीक है। लेकिन सॉल्व जरूर करना, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो है समय खत्म हो गया था इसलिए जो है हम सो जाएं, सोना तो नहीं है देखो आप लोगों को, है ना। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ब्रेक जरूर मिल जाएगा, डिनर विनर कर सकते हो, उसके बाद में इस होमवर्क क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर आपने क्या निकाला। वी विल डिस्कस दिस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज टुमारो ऑब्वियसली, है ना, जहां पर आपको इसका करेक्ट सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 or 5, ध्यान से करना, यहाँ पे सेट का भी थोड़ा सा लॉजिक लगने वाला है, हमने सेट्स भी यहाँ पे कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक है। और राइट, सो दिस बिकम्स योर होमवर्क क्वेश्चन, फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ऑलराइट, ट्राई करें सर बच्चे, एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल से आज के सेशन में इतने रखते हैं, एंड अगर आप रेगुलर नहीं है तो जल्दी से शेड्यूल देख लो, एवरी टीचर इज कमिंग हियर रेगुलरली लाइव टू टीच यू गाइस, ठीक है। आपके जो यहाँ पर टाइम स्लॉट है वो भी एक बार सारे बच्चे ध्यान से देख लें, 6 बजे आपके फिजिक्स का लेक्चर होता है, 9 सर लेते हैं, फिर उसके बाद 7:30 बजे अश्वानी सर आपका केमिस्ट्री का लेक्चर लेते हैं, और 9 बजे मैं आपके यहाँ पे मैथमेटिक्स का लेक्चर लेता हूँ, ठीक है। ये आपके क्लास 11th का शेड्यूल है, ऐसे ही क्लास 12th के भी टॉपिक्स आपके यहाँ पर चल रहे हैं, जयंत सर, अनुपम सर और निशान सर यहाँ पर आपके 12th के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर रेगुलर हैं, आपके यहाँ पर ग्रोथ डेफिनेटली बहुत अच्छी चल रही है, बिकॉज आई कैन डेफिनेटली रिलेट विद द स्पीड विथ विच 3.0 इज गोइंग, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर जो है आपकी थोड़ी सी ड्यूरेशन बढ़ा दी है क्लासेस की, आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, वी नो दैट 2.0 के कंपैरिजन में जो लास्ट ईयर बच्चे ने मेहनत करी थी उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आप एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है। लेकिन इससे होगा कि अच्छी बात यह होगी कि टुवर्ड्स द एंड हमारे पास में रिविजन के लिए फिर से बहुत सारा समय बचेगा, दैट विल डेफिनेटली वर्कआउट बेटर। जैसे कि यहाँ पर 2021 वाले बच्चे बार बार ये हमसे बोलते हैं कि सर यहाँ पर रिविजन के लिए फिर से कुछ होना चाहिए, ठीक है। सो वी फील कि यहाँ पर ऑलरेडी हमने जो है एक बार वैसे पूरा पढ़ा दिया, ठीक है, बट वी शुड हैव अ डेडिकेटेड टाइम फॉर रिविजन एज वेल, विच विल डेफिनेटली बी इनकॉर्पोरेटेड इन 3.0, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए आपको रेगुलर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज जब बाकी बच्चे रिविजन कर रहे होंगे तो आप फर्स्ट टाइम चीज़ें सीख रहे होंगे, वो सही नहीं है, ठीक है। बैकलॉग तो यहाँ पर आपको क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर बाय चांस हो गया है livedaily.me/je के ऊपर जाओ, वहां पर आपके सारे के सारे जो टॉपिक्स कवर्ड हैं अभी तक के 3.0 वाले उतने तो आप देख लो, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी के यहां पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे। इनफैक्ट आपकी अगर यहां पर जो है जैसे कि ड्रॉपर्स बच्चे पूछ रहे थे कि आपका यहां पर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ड्रॉपर्स बच्चों का स्ट्रेटजी होना चाहिए कि उनको सबसे पहले एनालाइज करना है कि भाई उनकी क्या गलती रह गई। ड्रॉपर्स अगर कोई यहां पर देख रहा है, अगर आपको बेटा सच में अगर अगले साल सिलेक्शन करवाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैटेगराइज, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने बात सुनी हुई होगी पहले भी, लेकिन वो फिर से एक बार करो, आप यहाँ पे पहले तो ABC कैटेगरी में अपने टॉपिक्स डिवाइड करो, ये आपके स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक हैं, ये आपके वीकेस्ट टॉपिक हैं, और ये आपको लगता है कि आता है लेकिन कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक है। ऑल राइट, आप पहले कैटेगराइज करो, और आपके साथ में यहाँ पर जो लिंक्ड शेयर्ड है, ठीक है, इसके ऊपर आपके सारे का सारा कॉन्टेंट अवेलेबल है, ठीक है। डोंट वेट, जस्ट गो थ्रू दीज वीडियोज, चाहे 2.0 होके हो, 1.0 होके हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, एवरीथिंग इज अमेजिंग, ठीक है। आप यहाँ पे इनके साथ में अब अपना जो है पढ़ाई स्टार्ट करो, इनके ऊपर कम से कम अब अपना समय स्पेंड करो, ठीक है। डोंट फॉलो वन पर्टिकुलर कोर्स, जैसे 3.0 अपने आप में एक कोर्स है, ठीक है, लेकिन आप पूरा फॉलो मत करो। अगर आप रिपीटर हो, आपको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ थी जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आप उसके ऊपर फोकस करो। आप फिर से अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, है ना, आप फिर से अगर लेटेस्ट से लिमिट्स पढ़ोगे, है ना, तो पता चला कि लिमिट्स से पढ़ते रहेगा और एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स और डेफिनेट इंटीग्रल जहां पर आपको एक्चुअली प्रॉब्लम था कैलकुलस में वो आप फिनिश नहीं कर पाए। आप यहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते रह गए और जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको दिक्कत थी वो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से नहीं पढ़ पाए, ठीक है। सो डोंट फॉलो अ पर्टिकुलर बैच, डोंट फॉलो अ पर्टिकुलर कोर्स, फॉलो अ शेड्यूल विच इज क्रिएटेड बाय यू फॉर यू, है ना। और वो क्रिएट कैसे हो सकता है, जब खुद ही पता करोगे कि आपकी गलती क्या रह गई थी, ठीक है। आपके उसमें फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, अगर आप प्लस पे भी आते हो तो भी मैं आपको गाइड यही करूंगा कि आप कोई एक पर्टिकुलर ड्रॉपर्स बैच ज्वाइन ना करो, क्योंकि ड्रॉपर्स बैच में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ाया जाएगा ना, जो आपको आता है पहले से। तो आपको 10 दिन तो चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो 10 दिन आप कुछ और पढ़ सकते थे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ड्रॉपर्स बैच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है इसलिए आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो तो वो सही नहीं है। रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते थे, है ना, 100 सवाल कर लोगे लेकिन तब भी आपको 10 दिन नहीं लगेंगे। 100 सवाल करने में अगर आप 10 दिन लगा रहे हो, मतलब आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एक दिन के अंदर, ठीक है। तो ड्रॉपर्स बच्चों को तो इससे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में पढ़ना होता है, ठीक है। सो आप यहाँ पर जो है कोई भी एक बैच को पकड़ने की जगह अपनी वीकनेस को पकड़ो, उसके ऊपर अपने साइड से तैयारी करो। कोई ना कोई बैच आपको ज्वाइन जरूर करना पड़ेगा, है ना, नो डाउट इन दैट, लेकिन
तब भी यहाँ पर जो है अपने वीकनेसेस के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, वो आपको ज़्यादा जल्दी ग्रोथ देगा, ठीक है। ऑल राइट, चलो एंड दैट्स इट। मेरे ख्याल से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के बारे में सारे बच्चों को पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ जाके एक बार जो है इसको जरूर देखें। बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लाइव एंड इंटरेक्टिव माहौल में जो है पढ़ाई करते हो। वहाँ पर आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं, आपके यहाँ पे जो है टेस्ट सीरीज भी चल रही है, विच एक्चुअली गिव्स यू एन एंटायर एटमॉस्फियर ऑफ जेई प्रिपरेशन। और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया के और भी अमेजिंग टॉप एजुकेटर्स हैं, आप सभी के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन डिसाइड करो कि आपके लिए बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है, ठीक है। एंड ये यहाँ पर जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है फ्रीडम की, वो यहाँ पर बेसिकली जो है बच्चों ने इस्तेमाल करी है, और इतने अमेजिंग रिसोर्सेज अगर आपके उसमें इतने सारे अच्छे एजुकेटर्स हैं तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि यही तो आपको चाहिए होता है एक गाइडेंस के लिए एजुकेटर जो आपको बता दे कि यहाँ पर आपने जो है थ्योरी कैसे समझना है और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करके आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बस लेकिन हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स का डेडिकेशन और हार्डवर्क जो है वो तो और ज्यादा ही रिक्वायर्ड है। आई वुड नॉट से कि कम रिक्वायर्ड है, ज्यादा रिक्वायर्ड है। एंड वो अगर आपके अंदर है देन डेफिनेटली ऑनलाइन एजुकेशन फॉर यू, है ना। अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट है आपको यहाँ पर बहुत फायदा मिलेगा। आप यहाँ पे जो है लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें, लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आपके उसमें जो ऑप्शन आएंगे उसके अंदर आप दिखो कि आपके लिए अब कितनी जर्नी बची है जेई की तैयारी की। अगर आपकी 6 महीने की बची तो 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले लो, अगर आपकी 2 साल की बची तो 2 साल वाला ले लो। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको पूरे कोर्स का फी नहीं दे रहा है कोई भी, आपको यहाँ पे ड्यूरेशन के लिए अपनी फीस पे करनी है। अदरवाइज यहाँ पे ऑफलाइन में अगर जाओगे तो ऑफलाइन में सिनेरियो ये था कि बच्चे कभी कभी 6 महीने बाद भी एडमिशन कर लेते थे, तो 2 साल वाला कोर्स क्योंकि ज्वाइन कर रहे तो 2 साल की फीस पे करते थे, जबकि उन्होंने 6 महीने की क्लासेस मिस कर दी है और वो 6 महीने की क्लासेस फिर से होने वाली नहीं है। जबकि यहाँ पे अगर आपने मिस कर दी है तो पहली बात तो आप यहाँ पे 2 साल की जगह 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे, और उसके बाद भी जो 6 महीने आपने मिस कर दिया उसके लिए आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है। सो इट इज वे बेटर देन द ऑफलाइन सेटिंग, दैट इज फॉर श्योर, है ना। लेकिन आप यहाँ पर जो है एक बार इसको एक्सप्लोर जरूर करो, क्योंकि आई फाइंड इट रियली अमेजिंग कि बच्चे कितने अच्छे तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। समीलाई के साथ में ज्वाइन करोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिलेगा, एंड आपके यहाँ पर जो है कई सारी चीज़ें इनिशिएटेड हैं। आप एक बार जो है ये फाइल जब डाउनलोड करेंगे तो इनको एक बार देख लेना कि कौन कौन से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप किसके अंदर जो है जुड़ सकते हैं अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।